अल्लाम वरम् वबरक अलहमदुल्ल व व सलात वसलाम अल रसूल वाल आलही वहाब ही अजमैन अम्माबाद मेरे भाइयों और इस प्रोग्राम को देखने वाले सारे नाजरीन भाइयों और बहनों मैं आप सबका इस्ताल करता हूँ हमारा आज का मौजू है रिस्क में इजाफ़े के दस फार्मूलाज़ कुरान और हदीस की रोशनी में हम ये जानते हैं कि हमारा दीन वो दीन है जो हमें तरीक़ा सिखाता है कि हम दुनिया में कैसे जिये दुनिया में कोई काम कर रहा है तो कैसे वो काम को अच्छी तरह से कर सकता है कि वो दुनिया भी उसकी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो तो हम देखते हैं कि हमारे दीन ने ये नहीं सिखाया कि तुम दुनिया छोड़ के चले जाओ ये दुनिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं तुम्हें दीनदार बनना है तो दुनिया में नहीं रह सकते हमारे दीन ने ये सिखाया जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में दुआ सिखाई है सुर बकरा के आयत नंबर दो सौ एक जो है रबना तीना फ दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वकीन आदा बनार अः हमें दुनिया का भी खैर दे आखिरत का भी खैर दे और जहन्नम की आँख से बचा ले मेरे भाइयों, उसी पस मंज़र में ये मौजू भी है कि हमारा जो रज्क है जो रज़ आम तौर पर लोग समझते हैं कि दृस्क तो दुनिया का ही होता है लेकिन हकीकत तो यह है ये रिज्क का मामला दुनिया और आखिरत दोनों का होता है क्योंकि अल्लाह ताली ने कुरान में ये बताया है सुर हज की आयत है सरा बाईस आयत नंबर पचास की जन्नत में लहूँ मगफ़रा व रज़ करीम उनके लिए मकफरत है और एक बहुत ही इज्जत वाला रिस्क है तो जो रिस्क का मामला जन्नत तक कंटिन्यू है आखिर तक कंटिन्यू है वहाँ भी, भी चाहिए यहाँ का, का रिस्क मिलेगा किसी लोगों को मिलेगा जो पास होके जन्नत तक पहुंच गए ऐसे लोगों को मिलेगा जजाम बेमाकानू या मलून जो कर रहे थे उसका बदलाव तो ये रिस्क जो है जो दुनियावी तौर पर आमतौर पर आदमी बहुत परेशान होता है रिस्क के तालुक से बहुत से लोगों की जो जद्दोजहद है कोशिश है वो इसी चीज़ के आसपास घूमती है कि रिस्क मेरा कैसे पूरा हो कैसे रिस्क में इजाफा हो कैसे मैं रिस्क में आगे बढ़ूँ तो हमें हमारे दीन ने क्या सिखाया इस तल्लुक़ से तो आइए मेरे भाइयों मैं कुरान और हदीस से ये दस तलीमत आप तक पहुँचाना चाहता हूँ आज इस मकसद से कि ये चीज़ों को सीख कर अगर हम अमल करें तो हमारा आखिरत का फ़ायदा होगा वो असल मकसद है हम ये सारी बातें सीखेंगे इस मकसद से सीखेंगे कि हमें वो आखिरत का रिस्क वो आखिरत की कामयाबी मिल जाए वो असल मकसद है और दुनियावी तौर पर बोनस में मिल जाएगा दुनियावी तौर पर बोनस में फ़ायदे मिलते हैं और वो साइड डिश है जैसे एक होता है मेन क्या खा रहे हो और साइड में क्या चीज़ है साथ साथ में तो साथ साथ में दुनिया भी मिल जाएगी लेकिन कुछ कायदे याद रखिए सबसे पहली चीज़ रिस्क कहते किसे हैं रिस्क क्या है आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो इनकम है जो मिला वो रिस्क है मेरा लेकिन हम देखते हैं कि रिस्क अलग अलग तरह का होता है जो हमें मिल रहा है उसमें से खाए कितना उसमें से तुम कितना इस्तेमाल कर पाए मिसाल के तौर पर कई बार लोग ये देखते हैं कि मैं गलत काम करके ज़्यादा हासिल कर सकता हूँ बज़ाहरा ऐसा दिखता भी है कि हाँ गलत काम करके चोरी करके गलत काम करके उसे इतना मिल गया लेकिन क्या वो उसका रिस्क है आप खुद देखिए कई बार जो चोर है उससे भी कई लोग चोरी करके जाते हैं तो वो मिला तो सही हाथ में आया लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सका कई बार डॉक्टरों के पीछे खर्चे हो जाते हैं कई बार लॉयरों के पीछे खर्चे हो जाते हैं कई बार दूसरे तरीक़ों से पैसा हाथ से चला जाता है लेकिन आखिर में खाया क्या उसने आखिर में इस्तेमाल क्या कर सका और कई बार ऐसा होता है कि कम पैसे भी बहुत फायदा पहुंचा देते हैं कम पैसों में भी बहुत फायदा हो जाता है ऐसा भी होता है कई बार तो हम देखते हैं कि रिस्क का मामला क्या है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या नफा दिया उसमें से क्या फायदा मिला मिला क्या उसके अंदर से उसके अंदर से तुम क्या पा सके जैसे बरका बरका क्या है कम में ज्यादा का फायदा कई बार रिस्क में बरकत ऐसी होती है कि कम रिस्क है हाथ में कम सैलरी हाथ में लेकिन बहुत सारे काम कर लेते हैं जैसे हम पहले लोगों से सुनते हैं पुराने लोगों से कि इतना ही कमाते थे पूरा घर खाता था अभी इतना कमाते हैं तो भी पूरे नहीं होते खर्चे तो हम देखते हैं कि वो ज़माने में हराम चीज़ें कम हुआ करती थी तो रिस्क में ज़्यादा बरकत आज के बनस्बत हुआ करती थी आज जो सूद का मामला हराम चीज़ों का मामला अलग अलग चीज़ें इंश्योरेंस वगैरह कई चीज़ें जो आम हो गई है तो रिस्क के अंदर से बरकत भी उतनी उतनी कम हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि रिस्क में बरकत का मतलब क्या है बरकत कि रिस्क क्या है मिसाल के तौर पर माँ बाप है वो भी तो एक तरह का रिस्क है क्या कीमत है भाई माँ बाप की कोई कीमत नहीं दे सकते हैं औलाद है वो भी एक तरह की का रिस्क है उसी तरह सेहत जो हमारे पास है ये भी तो एक रिस्क है जो छत है घर रहने के लिए अच्छा हो वो भी एक रिस्क है अमन हो शांति हो सलामती हो इलाके में शहर में कंट्री में ये भी एक तरह का रिस्क है तो रिस्क अलग अलग शक्लों में होता है अलग अलग तरह से होता है तो हम देखते हैं जो देखेंगे आज कि रिस्क में इजाफे के ताल्लुक से तो रिस्क से मुराद सैलरी में इजाफा नहीं कहिए सैलरी तो एक बहुत छोटी सी चीज है रिस्क के अंदर में रिस्क के पूरे पिक्चर के अंदर इनकम आमदनी या कोई नफा क्या बचा बचा लेता है आखिर में बिजनेस में ये एक थोड़ा सा हिस्सा है बहुत बड़े पिक्चर का बहुत बड़े एक मंजर में छोटा सा मकाम इसका भी है लेकिन हम देखते हैं कि हम पूरी बात कर रहे हैं छोटी बात नहीं कर रहे हैं दूसरी बात इस तालुक से याद रखिए मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि दुनिया की कोई कीमत नहीं अल्लाह के नजदीक इस हद हाँ तक कि मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की कोई कीमत नहीं और अगर दुनिया की कीमत होती ही, तो अल्लाह ताला कुफ्र करने वालों को शिर करने वालों को गुनाह के काम करने वालों को नाफरमानी के काम करने वालों को अल्लाह दुनिया में कुछ भी नहीं देता लेकिन हम ये देखते हैं कि ये दुनिया बहुत थोड़ी है और असल जिंदगी बहुत बड़ी हमारे आगे है वो करोड़ों करोड़ अरबों साल की ज़िंदगी उसके सामने देखेंगे तो इसका मकाम बहुत थोड़ा सा है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर देखें कि ये जो हॉल में हम बैठे हैं उसके अंदर ये टेबल कितनी जगह ले रहा है कितना परसेंट तो हम कहेंगे भाई ये जो जगह है इसका पांच परसेंट है पूरी जगह का पांच परसेंट ये टेबल लिया हुआ है लेकिन अगर आप पूरा फ्लोर ले लो तो पूरे फ्लोर का आप कहेंगे पूरे फ्लोर का दो टका है ठीक है अगर पूरा साकी नाका की एरिया ले लें तो फिर जीरो पॉइंट जीरो 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 और अगर पूरा बंबई ले ले उसका कितना एरिया लिया हुआ है तो बहुत ही मामूली सा एरिया पूरा इंडिया ले ले पूरी जमीन ले ले तो उसका तो बहुत ही थोड़ी सी हिस्सा सा हिस्सा है ये होता क्या है जब आदमी दुनिया में कुछ परेशानियों में होता है कुछ चीज़ों में होता है उसके सामने कोई चीज़ उसे दिख रही है उसको लगता है बहुत बड़ी है क्यों क्योंकि वो ये दुनिया को सब कुछ समझ रहा है तो बहुत बड़ी लग रही है लेकिन अगर बड़ा मंजर देखे कि आखिरत करोड़ों अरबों साल की आखिरत है क़्यामत का दिन पहला दिन ही पचास हज़ार साल का दिन है वो दिन के सामने ये चीज़ क्या है बहुत थोड़ी है तो हम देखते हैं कि इस्लाम ने बताया कि रिस्क का मामला समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके मकाम को भी समझ लें उसका स्टेटस क्या है मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इस आयत में क्या बात दी गई आप खुद देखिए सुरया नाम क्या आयत है सरा छः आयत नंबर चौवालीस अल्लाह ताला ने फरमाया फलम माँ नसु मा वूबी जब वो कौम के लोग भूल गए उन चीज़ों को जो चीज़ उन्हें समझाई गई थी बताई गई थी मतलब जो उनके नबियों ने उनको बताया था पैगम्बरों ने बताया था जो पैगाम दिया नसू भूल गए वो सब छोड़ दिए वो लोगों ने तो अल्लाह ताला ने क्या किया उनके साथ सुनिए आपको क्या लगता है क्या किया कोई सज़ा आई सुनिए क्या किया अल्लाह ने अल्लाह ने फरमाया अलैहिम कुल्ली फता अल्लाह ताला ने कहा हमने उनके लिए सारी नेमतों के दरवाजे खोल दिए हत हो बेमा उतो यहाँ तक आ जो उन्हें मिला था उसमें जब वो बहुत खुश और मगन हो गए अखदना हूँ बगत फईदा हूँ मुबलिस तो अचानक उन पर सजा आ गई और फिर वो मायूसी में पड़ गए तो हम क्या देखते हैं कि ये जो दुनिया में कई बार चीजें मिलती है ना जो आदमी समझता है बहुत अच्छा है कई बार ये भी हो सकता है कि उसके गुनाहों की सजा है वो अल्लाह अकबर आप देखोगे ऐसी ऐसी कौमें हैं जो गुनाह के रास्ते में बहुत आगे हैं कुफर में बहुत आगे हैं नाफ़रमानी में बहुत आगे हैं अल्लाह के दीन के खिलाफ चाल चलने में बहुत आगे यहूदियों की मिसाल देखिए वगैरह अब आदमी जब देखता है कि उनके पास इतना पैसा है इतनी प्रॉपर्टी है ये क्या है तो ये आयत पढ़ के क्या हम ये बात नहीं देख सकते हैं? कि अल्लाह तैयार ने क्या कहा जब वो भूल गए जब वो गुनाहों में आगे बढ़ गए तो अल्लाह ने क्या किया सारी नहमतों के दरवाजे खोल दिए हाँ सारी चीज़ें कुल कुल्ल सब चीज़ मिलती गई आदमी ये सोच रहा है हाँ हम, हम अगर गलत होते तो हमें इतनी पैसा कैसा मिलता हमारी इनकम आमदनी इतनी बड़ी कैसे होती अगर हम गलत होते तो हमें ये कैसा मिलता तो हम देखते हैं यही तो धोखा है उनके साथ यही तो दुनिया की जिंदगी एक तरह का धोखा है और वो धोखे को समझना बहुत जरूरी है तो ये एक और बात है रिस्क के ताल्लुक से एक और बात बताऊंगा इससे पहले कि हम दस पॉइंट शुरू करें कई लोग ये ताल्लुक से जो दीनी लोग हैं वो ये मौजू के ताल्लुक से थोड़ा गिनती तौर पर देखते हैं मतलब उन्हें ऐसा लगता है पैसे की बातें पैसा और ये दीनी लोग भाई ये इस्लामिक चैनल पर यामा कराम पैसों की बातें करेंगे पैसा क्या है पैसे की क्या अहमियत है कुछ लोग बहुत ज़्यादा उस तरह का रवैया रखते हैं बोले छोड़ो ये सब पैसों की बातें क्या कर रहे हो आप ये क्या बात कर रहे हो तो मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ यार नबी मोहम्मद सल्लम ने फरमाया नी मल माल मर इस अच्छा है अच्छा माल एक अच्छे शख्स के लिए नबी सल्लम ने क्या कहा गंदा माल ऐसा नहीं कहा कहा अच्छा माल यानी हलाल माल एक अच्छे शख्स के लिए अच्छा है नबी सलासम ने कहा बुरा नहीं है यानी पैसा खुद फी नफसी कोई बुरी चीज नहीं है कि उसे वैसे गंदी नजर से देखें अगर पैसा हलाल तरीके से अच्छे तरीके से आदमी कमाता है और क्या करता है नबी सलासम ने फरमाया इन हदल माल खुदी रतुन व हलवा से बुखारी की हदीस है ये माल हरा भरा है मीठा है वह नीमा सोहिबुलमुसलिमी और वो मुसलमान शख्स कितना अच्छा है लिमन अखूबी हकी ही जो उसे सही तरीके से हासिल करे पहले तो सही तरीके से हासिल करे तो फ़जा लहूफी सभी वलियतमा वमसाक़िद व अबन सभी उसे अल्लाह के रास्ते में लगाए यतीमों के रास्ते में लगाए उनकी खिदमत के लिए मस्किनों के रास्ते में लगाए मुसाफिरों की खिदमत में लगाए तो वो शख़्स कितना अच्छा है यानी कि हम क्या देखते हैं कि माल का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है माल खुद कोई गंदी चीज़ नहीं है उसके इस्तेमाल पर मामला होगा एक और हदीस है हम देखते हैं कि अनस रदलाओ अनसद नबीम की बहुत खिदमत किया करते थे एक बार उनकी वालदा ने नबी सलम से फरमाया कि खादिम का अनस ए नबी ये आपके जो खादिम है अनस उदुल्लहू अल्लाह से दुआ करें उसके लिए तो अल्लाह के रसूल ने क्या दुआ किया पता है उसके माल को बढ़ा दे अक्सर यानी बढ़ा दे अल्लाह मखसर मा लहू वो वह और उसे औलाद भी दे बहुत सारे वह बारिक लहू फीमा आतो ही तहु और जो अल्लाह तू उसे दिया है उसके अंदर बरकत भी दे उसे तो अनस अनसरद को हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत लंबी उम्र भी दी माल में भी बहा गया कि बहुत मालदार हो गए अल्लाह ने उन्हें कई सारी औलाद भी दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की तो हम देखते हैं कि कोई शख्स अपने लिए भी यही दुआ कर ले अल्लाह मेरे माल को बढ़ा दे वो वलदी और मेरी औलाद को बढ़ा दे वह बारिकली फीमा आते ही तनी और जो तूने मुझे दिया उसमें बरकत भी दे दे तो ये दुआ करना क्या जायज है ना जायज है बिल्कुल जायज़ है अपनी नीयतों को अच्छी रखें तो कोई कर सकता है अब मेरे भाइयों एक और चीज आप इससे पहले कि मैं आगे बाज दफ़ा ऐसा होता है कि जो दस बातें मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूं उसमें लोग करने में जज्बे से शुरू करते हैं फिर देख रहा है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है फिर उनके जहन में सवालिया निशान आने लगता है फिर वो डाउट में पड़ने लगते हैं तो मैं आपको एक हदीस बताना चाहता हूँ रसूल ने फरमाया में तुम्हें हराम चीजों के जरिए रिस्क हासिल करने की तरफ आमादा ना कर दे मतलब कभी रिस्क आने में आदमी देख रहा है हराम करके आगे बढ़ गया मुझसे मैं यहाँ तो रिस्क आने में ताखीर तुम्हें हराम चीजों से रिस्क हासिल करने में आमादा ना कर दे फी तो आती ही क्योंकि जो अल्लाह के पास है वो तो उसकी फरमाबरदारी से ही मिल सकता है मतलब अल्लाह की फर्माबरदारी से अल्लाह की बात मानने से ही जो अल्लाह के पास है वो मिल सकता है ये बात हम आगे देखेंगे ये हदीस हम देखते हैं कि इमाम अबू न अहिल् में जमा किया हदीस सया सिलसिला हदीस में इसकी तहकीक हदीस सही सनत से है तो मतलब हमें ये कायदा भी मिल रहा है कि जो करेंगे जम के करेंगे उसमें इस के साथ बराबर जम के करना है उसमें ऐसा नहीं कि बस अभी कर रहे एक्सपेरिमेंट हाँ एक्सपेरिमेंट की नीयत से नहीं करना है, ये नहीं है।, ये यकीन है हमारा ये तालीम है अल्लाह के कलाम की और प्यारे नबी मोहम्मद तो में नहीं पड़ना चाहिए और बोले थोड़े दिन ये बात मिल रहा है आज ये फार्मूला दस मिल रहे हैं ये भी थोड़ा करके ट्राई कर लेता हूं तो ट्राई करने की नीयत से नहीं करे बल्कि करे तो आदमी ईमान के साथ यकीन के साथ जम के करे तो उसे असल फायदा उसका मिलेगा तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट मेरे भाइयों जो दस बातें मैं आपके सामने आज कुरान हदीस में से रखना चाहता हूँ उसमें सबसे पहली बात और वो ये है तकवा अल्लाह का डर परहेजगारी एक इंसान अपने रिस्क में इजाफा चाहता है ना तो उसे इख्तियार करना चाहिए ये क्या बात है मेरे भाइयों कुरान और हदीस में ऐसी वाज आयात ऐसे वाज दलाल मौजूद है आयतें हदीसें मौजूद है जिनमें से हमें ये बात पता चलती है मैं आपके सामने चंद आयतें पढ़ूंगा

एक ईमानदार ताजिर है एक धोखेबाज ताजिर है ईमानदार ताजिर ईमानदारी से वजन करता है उसका नफा कम होता है उसको दिख रहा है कि ये धोखेबाज कांटा बेंड करके तराजू में चेंज करके वो ज्यादा कमा रहा है मुझसे अब आयत क्या कह रही है अल्लाह के कलाम में क्या जिक्र है जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह का डर इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा उसे वहां से रिस्क देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता है दिखता क्या है सौ रुपए की चीज है मेरा मार्जिन तो पांच रुपया है उसका मार्जिन पंद्रह रुपये है क्योंकि वो धोखा कर रहा है वो तकवा इख्तियार नहीं कर रहा है मैं तकवा इख्तियार कर रहा हूं मेरा तो नुकसान हो रहा है बज़ाहिरन बज़ाहरा दिख रहा है लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज ये बात साबित हो चुकी है आज ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग ईमानदारी से बिजनेस करते हैं उनका गुडविल बनता है मार्केट में उनका नाम होता है और नाम होने के बाद लॉन्ग रन में इनका जो प्रॉफिट होता है वो उससे बहुत ज्यादा होता है अल्लाह से देता है जहां से वो सोच नहीं सकता है और हम देखते हैं मेरे अफसोस की बात है कि आज कितने मगरबी मालिक की मिसाल ले लीजिए जहाँ वो लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स इस तरह से सेट किए कि ऐसे ताजरों को चीटिंग करने ना मिले मतलब मार्केट का स्टैंडर्ड बन जाए कि ये स्टैंडर्ड इस तरह से ईमानदारी से तुम्हें करना है डिक्लेयर करना है कंटेंट्स वगैरह वहां भी चीटिंग चलती है मैं जानता हूँ कई सारे धोखे चलते हैं लेकिन कई सारी चीजों में उन्होंने जो प्रिंसिपल पर अमल किया और जिसका उनको दुनिया में फ़ायदा भी मिला और जो हम सब देख सकते हैं और कितने अफसोस की बात है कि एक शख्स है जो मुस्लिम है और ईमान है उसका अल्लाह के कलाम पर प्यारे नबी महम की तालीम पर और उसको यह बात पर यकीन नहीं है कि अल्लाह उसे देगा वहां से देगा जहां से सोच नहीं सकते कितने सारे ताजर ये कह पड़ते बोले नहीं आजकल तो झूठ बोलना पड़ता है आजकल तो मार्केटिंग में झूठी बातें बोलनी पड़ती है आजकल बोलनी पड़ती है मतलब क्या क्या ऐसा है कि इस्लाम 1400 साल पहले के लिए था और आज के जमाने के लिए कोई और सिस्टम चल रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस्लाम तो हर जमाने और दौर के लिए है हमारा तो ईमान है यकीन है मेरे भाइयों बात है मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो जॉब कर रहा है उसका बॉस भी हो सकता है उसको कह दे देखो तुम्हें ये ये बोलना है झूठी लाइन और आप देखोगे कितने सारे टेलीकॉलर कॉल करते हैं और कितने सारे झूठी बातें बोलकर कैसे भी करके सेल लाना है आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग टीम के पीछे जो होते हैं ना जो उन्हें मोटिवेट करके भेजते हैं बोले कुछ भी करो सेल लाओ कुछ भी करो गंजे को कंगी बेच दो बोलते हैं ना लेकिन सेल लेके आओ इस्लाम क्या सिखाता है कि नहीं अभी को बोले कोई कहेगा भाई आप क्या बात कर रहे हो आप जाओ चौदह सौ साल पहले लेकिन हकीकत क्या है ना ये तालीम हर जमाने के लिए है क्योंकि इस्लाम की तालीम इंसानी फितरत के मुताबिक फितरत नहीं बदलती भले टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाए इंसान का जो नेचर है ना वो फितरत वही रहती है तो हम देखते हैं कि यहां पर ये जो बात है कोई ईमानदार शख्स है वो क्या कहेगा नहीं सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मैं सच बोल के भी इंशाल्लाह सेल करूंगा सच बोलने में उसे क्या करना होगा ईमानदारी से ऑनेस्टली फैक्ट स्टडी करने होंगे सही तौर पे देखना होगा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा होता क्या है ना जो झूठे लोग होते हैं ना उनको सच्ची बात नहीं दिखाई देती कई बार वो सच्ची बात देखने की उनकी आदत ही नहीं होती है वो अपनी झूठी दुनिया में बनावटी दुनिया में बॉटल में उतारने में इतने ज़्यादा मगन होते हैं कि वो रियल पॉइंट नहीं देख पाते हैं अगर कोई अपने माइंड को क्लियर करे कि मैं तो सजबुल की बिजनेस करूंगा मैं तो सजबुल की जॉब करूंगा मैं जो कर रहा हूं करूंगा अगर वक्ती तौर पर कदम पीछे भी जाते हैं वक्ती तौर पर कम प्रॉफिट होता है वक्ती तौर पर नुकसान भी होता है वक्ती तौर पर मुझे फेलियर की लिस्ट में भी डाल दिया जाता है नो प्रॉब्लम लेकिन मुझे पता है कि लॉन्ग रन में ये चीज़ का फ़ायदा है अब मैं एक और आयत बता रहा हूं अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या फरमाया ये सूरह आराफ की आयत है वो कुर आमन व तको अगर शहर वाले लोग ईमान ले आते तकवा इख्तियार कर लेते अल्लाह का डर इख्तियार कर लेते लफता बरक़ाती में समा अल्लाह ताला ने कहा कि हम उनके लिए आसमान से बरकतों को खोल करके नाजिल कर देते अगर वो शहर वाले यानी एक इंसरादी तौर पर बात हो रही थी थोड़ा अभी थोड़ी देर पहले जो सुर तालाब की आयत है ये सुर आराफ़ की आयत में पूरे शहर वालों की बात हो रही है कि अगर वो शहर वाले लोग अगर ईमान ले आते इख्तियार करते तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तरमाया अलैहिम बरक़ाती मिनस समा लेकिन उन्होंने इनकार किया तो फिर जो वो करते थे उसकी उनको सज़ा मिली तो हम क्या देखते हैं मेरे भाइयों कि हमारा ईमान है इस बात पर और वो ईमान की बुनियाद पर हम ये चीज़ करें तो फिर उसके फायदे बहुत सारे हैं बिजनेस हो जॉब हो सर्विस हो पढ़ाई हो कुछ भी हो वहाँ पे पढ़ाई में भी स्टूडेंट को बरकत चाहिए स्टूडेंट को रिजल्ट्स में बरकत चाहिए मुझे अच्छे रिजल्ट मिले लेकिन वो ईमानदारी से करेगा वो चीटिंग करेगा नहीं करेगा तो हम देखते हैं खरीदने वाले इख्तियार होता है मालम ये अलग ना हो जाए अगर सच कहें दोनों वह बैना वाज तौर पर क्लियरली बताए मतलब जो टर्म्स है वाज क्लियर करके बता दे वह बइना प्रोडक्ट ये है इसमें ये ऐप भी है भाई फटा हुआ कुर्ता बेच सकते हैं बेच सकते हैं लेकिन बताना होगा ये फटा हुआ कुर्ता है मैं ये चीज बेच रहा हूं बेचो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं कि फटा हुआ नहीं बेच सकते ऐसा नहीं कि डिफेक्टिव माल नहीं बेच सकते डिफेक्टिव माल भी बेच सकते हैं लेकिन बता के बेचना है कि इसमें ये डिफेक्ट है तो अल्लाह के रसूल सासम ने क्या फरमाया अगर सच कहें वह बइना क्लियर करें तो अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया बोरी का लुमा उस तजारत में उनके लिए बरकत हो जाती है वो इनकत व कज़बा अगर वो एबों को छुपाते हैं झूठ कहते हैं मुहक्त बरकत बिमा उस तजारत की बरकत खत्म हो जाती है तो यहाँ बरकत है जो हमें कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें बरकत ये तजारत में बरकत इतनी कितनी है तजारत में प्रॉफिट कितनी है वो देख सकते हैं तजारत में प्रॉफिट कितना हुआ वो देख सकते हैं तजारत में बरकत कितनी थी वो हम नहीं देख सकते बरकत कब खत्म होती है अगर झूठ होता है फरेब होता है उसमें ऐबों को छुपाया जाता है वाजे नहीं किया जाता है फुट नोट्स में कोई चीज़ होती है छुपा के रखी जाती है वाजे नहीं किया जाता है ये सब चीज़ों से बरकत ख़त्म होती है तो आइए फर्स्ट पॉइंट हमने देखा ये बहुत बड़ी बुनियाद है आज के दस पॉइंट्स की बुनियाद क्या है कि हमारा नज़रिया दुनिया को देखने का ही अलग है हम ये मानते हैं कि इसबाब सब अल्लाह पर डिपेंड है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं है कोई हरकत ना कुव्वत सिवा की तरफ से अगर अल्लाह कोई चीज़ देना चाहे तो अल्लाह वैसे इसबाब पैदा करने पर कादिर है और हम ये कैलकुलेटर से काम नहीं लेंगे कैलकुलेटर से काम लेंगे कई बार ये बात नहीं समझ में आएगी ये पहला पॉइंट है हमारा मेरे भाइयों दूसरा पॉइंट अब ये दूसरे पॉइंट की दलील क्या है सुरह नूह की आयत है सरा नंबर सेवेंटी वन आयत नंबर दस और ग्यारह नू अम ने अपने कौम के लोगों से कहा इस तु अपने रब से माफी तलब करो इनह काना गफारा यकीनन वो माफ़ करने वाला है अब आगे सुनिए युरसिलिस समा अल्लाह आसमान से तुम पर नफा बख्श बारिश भेजेगा क्या करोगे तो माफी मांगोगे अल्लाह से इस्तगफिरु रब्बुकुम अल्लाह से माफी मांगो तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है अल्लाह ताला युरसिलिस समा अलैकुम मदरा व यमदिदकुम बअमवालिव व बनीन अल्लाह तुम्हें माल से, से तुम्हारी मदद करेगा औलाद से तुम्हारी मदद करेगा जन्नाती हूँ अल्लाह तुम्हारे लिए बागात बनाएगा तुम्हारे लिए नहरों को जारी करेगा पता क्या चला ये सारी बातें जो हो रही है कहाँ की बात हो रही है ये दुनिया की बात हो रही है औलाद से, से कहा की बात हो रही है मदद दुनिया की बात हो रही है तो मेरे भाइयों ये बात क्लियर समझ में आ रही है और हम जो बात करेंगे ये बात की दलील वाजे होनी चाहिए कि इसका ताल्लुक रिस्क से है मतलब हम ऐसे कोई चीज को कहीं और फिट करके आपके सामने नहीं रख रहे तो हम देखते हैं इस्तगफार का बहुत अहम ताल्लुक रिस्क से है हम अल्लाह से माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना इसका ताल्लुक इनकम से है रिस्क से है क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा माल से औलाद से और इस ताल्लुक से मेरे भाइयों एक और आए थे जो हम देखते हैं सूरह सुरहद में सुरह ग्यारह फिफ्टी टू में भी यही बात दी गई अब इसमें क्या मतलब है कि कोई शख्स अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़े कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मुझे माफ़ कर दे लेकिन यहाँ पे एक और बात जो लोग मिस कर जाते हैं वो क्या मिस कर जाते हैं बोले अस्तक इतनी बार पढ़ो पढ़ो लेकिन पढ़ने से मुराद ये भी होना चाहिए कि दिल से पढ़ो समझ कर पढ़ो अल्लाह से माफ़ी मांगो जुबान ने तो सौ बार अस्त पढ़ लिया लेकिन दिल ने एक बार भी अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगा तो क्या वो उसका मतलब उसका मकसद हासिल हुआ नहीं हुआ लोग ये चीज़ कई बार सिर्फ उसकी जिसम रह जाता है उसकी रूह गायब हो जाती कई बार तो हम देखते हैं यहाँ जो तालीम हमें दी गई है कि अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला दुनियावी तौर पर भी रिस्क में अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा यूम दिद कुम भी अम्वालू व बनी तो मेरे भाइयों ये एक बहुत अच्छी बात है और नबी सलीसम की आदत भी थी अल्लाह के रसूल सल वसम दिन में सौ बार अल्लाह ताली से माफ़ी मांगा करते थे सही बुखारी की हदीस है और हमें भी ये टारगेट बनाना चाहिए कि सौ बार मैं अस्त फिर मैं पढ़ूँगा अपने दिल से मतलब ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अब यहाँ पे गौर करने की बात क्या है पहला पॉइंट हमारा था तकवा दूसरा पॉइंट क्या है इस्तफार पहला पॉइंट है अल्लाह का डर दूसरा पॉइंट क्या है इस्तफार हम सब इंसान है ना कभी कमी आ सकती है किसी इंसान में कभी जितना चाहता था उतना नहीं पहुंच पाया कहीं कमज़ोर पड़ रहा है इस्तफार का मतलब क्या है ना कि उसके अंदर एहसास है वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है वो अपनी कमी के तल्ल से अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है वो तकवा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है वो तौबा करके वापस अल्लाह की तरफ लौट रहा है तो ये सारी चीजें उसमें शामिल है तो मेरे भाइयों ये हमें आदत बनाना चाहिए एक तो तकवा हमारा गोल हो हमारी सोच हो कि हम दुनियावी सोच वाले लोगों की तरह नहीं करेंगे जैसे दुनिया के अंदर ब्लैक मार्केटिंग चलती है सूदी काम चलते हैं तकवा के खिलाफ कई सारी चीजें चलती हैं हम वो सब काम नहीं करेंगे और बहुत से लोग क्या सोचते बोले अरे वो सब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हालांकि सही बात क्या है कि अल्लाह के पास जो रिस्क है वो रिस्क में इजाफे की जो सारी चाविया हैं वो ऐसी चीजें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते अब सोचो कौन सोच सकता था कि अरब जमीन पर जहां तोहहीद एक बार आई तो अल्लाह ताला ने कहां से उन्हें रिस्क दिया कोई सोच सकता था कि रेगिस्तान के अंदर से तेल निकलेगा और तेल में से उनका रिस्क होगा मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं ऐसे इंफरादी मिसालें हो सकता है आप सबकी जिंदगी में भी ऐसी मिसालें मौजूद है मैं एक भाई को जानता हूं जो हजाम है और हजाम का मामला क्या होता है आज से कुछ साल पहले की मिसाल है ये कि शेविंग भी करनी होती है बारबर के बिज़नेस में शेव भी करना होता है और उसकी दुकान एक मुस्लिम इलाके में तो पहले वो दीनदार नहीं था उसकी दाढ़ी नहीं थी लोगों की भी दाढ़ी शेव करता था फिर अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी खुद दाढ़ी उसने रख ली लेकिन शेव कर रहा था दूसरों की दाढ़ी उसको ये बात चुभने लगी एक दिन उसने जाके फैसला लिया कि ये दुकान में दाढ़ी शेव नहीं की जाएगी आजकल क्या ट्रेंड है आजकल का ट्रेंड तो आपको पता है ना बहुत से लोग हर ख्याल के लोग दाढ़ी रख रहे हैं एक अलग मकसद से लेकिन ये कई साल पहले की मिसाल है तो उन्होंने बोर्ड लगा दिया अब आदमी कैलकुलेटर से देखे तो ऐसा लगेगा कि उसका बिजनेस आधा हो गया होगा वो कहता है मेरा बिजनेस डबल हो गया कैसे लोग कहने लगे ये कट का स्पेशलिस्ट है हाँ कट करना है तो ये आदमी के पास ही जाओ ये तो स्पेशलिस्ट है उसका तो हम देखते हैं कि अल्लाह देना चाहे ना कहा से दे सकता है हमें पता नहीं अब आदमी कई बार देखता है कि मैं एक जॉब के लिए गया था यहां सुधी बैंक थी बैंक का जॉब और मैं एक मैनेजर को जानता हूं बैंक के मैनेजर थे और हमारे इस्लामिक प्रोग्राम्स में आकर अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी और दीन की तरफ आ गए अब बैंक के मैनेजर थे कहीं वो बात खटकने लगी कि मैं बैंक में सूदी बैंक में काम कर रहा हूँ फ़ाइनली उन्होंने नीयत की कोशिश की जॉब छोड़ दिया और एक टीचर का जॉब लिया आज वो मक्का में उमूल खुरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है उनका और वहाँ पे टीचर है तो हम देखते हैं अल्लाह कहाँ से रास्ता खोलेगा किसी को पता नहीं हम हाँ वक्ती तौर पे मुश्किल आ सकती है अल्लाह परखता भी है लेकिन उसके बाद लास्ट रिजल्ट क्या आता है वो सबसे असल बात है तो मेरे भाइयों पहला पॉइंट क्या था तकवा सेकंड पॉइंट क्या है इस्तफार अल्लाह से माफी मांगना कि कमी हो जाती है अल्लाह से माफी मांगना और इस्तफार का कंसेप्ट यह भी है कि कमी आदमी बोले मुझसे तो कोई कमी नहीं हुई फिर मैं क्यों इस्तफार करूं भाई तुम इंसान हो इंसान खताकार ऐसे ही होते हैं और सबसे नेक इंसान प्यारे नबी मोहम्मद वो इस्तफार किया करते थे दिन में सौ बार तो हम सबको तो करना ही चाहिए अल्लाह से माफी मांगना चाहिए अल्लाह को यह पसंद है ये बात पसंद है इस वजह से अल्लाह ताला दुनियावी तौर पे पर बनीन अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा माल से मदद करेगा ये वादा है जो नूह अलैहि सलाम ने किया सलाम ने किया कुरान में जिक्र है यह बात मतलब उसकी फिर से ताकीद हो गई ये बात कंफर्म्ड है कि भी बनीन अल्लाह तुम्हारे माल में अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा मेरे भाइयों मेरी बहने सब जो मौजूद हैं एक गोल बना लो कि हम अल्लाह ताला से रोज माफी मांगेंगे इस्तिगफार करेंगे ये हो गया पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर तीन तीसरा पॉइंट और वो ये है कि हमें अल्लाह ताला पर छोड़ना है मतलब रिस्क में बरकत के जरियो में से एक अहम जरिया ये है कि हम अल्लाह ताला पर छोड़ना सीखें तो करना सीखें अल्लाह ताला ने में सुर तलाक में क्या फरमाया वो मई ये तो अल्लाह पर तोल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है तो हम देखते हैं कि यहाँ रिस्क से ताल्लुक है फहुआ हजबहू के तहत और सुन त्रिमिदी में एक हदीस सही सनत से है जिसके अंदर ये बात और डायरेक्टली पता चलती है प्यारे नबी मोहम्मद ने फरमाया अन्नकुम तवक्कलून अला फरमायावक्ल ही अगर तुम अल्लाह पर तो्क् करो अल्लाह पर छोड़ो जैसा तो करना चाहिए तुम कमा अल्लाह तुम पर भी तुम्हें भी वैसे रिस्क देगा जैसा परिंदों को रिस्क देता है तगदुख हमासन बतरु बिताना घर से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं वापस आते हैं जब घोंसले में तो पेट भरा हुआ होता है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर तवक्कुल का एक बहुत अहम पार्ट है और मेरे भाइयों अगर आप देखेंगे ना ये भी फर्स्ट पॉइंट से जाके कहीं कनेक्ट हो रहा है क्या मामला है कि अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह पर छोड़ो आप जरिए इख्तियार करो परिंदे घर से निकल रहे हैं हौसले से बाहर निकलते हैं जरिए इख्तियार कर रहे हैं टेंशन तो मत लो कोशिश करो जॉब नहीं है इंटरव्यूज दो कोशिश करो सोचो क्या कर सकते हो क्या आइडियाज हो सकती है क्या तरीका हो सकता है सोचो जद्दोजहद करो टेंशन तुम मत लो क्या होता है कई बार जो लोग हार जाते हैं मेरे भाइयों वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो टेंशन उनको तोड़ देता है कोशिश नहीं तोड़ती कोशिश इससे दस गुना कर सकते थे लेकिन जो कोशिश के पीछे टेंशन होता है ना वो टेंशन इंसान को तोड़ देता है एक इंसान बिजनेस में यहां तक पहुंच पाया क्यों उससे आगे का टेंशन नहीं संभाल सकता है बोले इससे आगे मैं टेंशन नहीं संभाल सकता भाई तुम जरिया इख्तियार करो ऊंट को बांधो लेकिन भरोसा अल्लाह पर करो और ये करोगे फहुआ हजब हो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है ये क्या है मामला मेरे भाइयों ये तवक्ल एक ऐसी इबादत है और कभी हमें इस मौजू पर ख़ास प्रोग्राम रखना चाहिए तवक्ल के ऊपर क्योंकि तवक्ल करते कैसा है भाई तवक्ल कैसे करते हैं नमाज़ पढ़ने को सिखा सकता है आपको कि नमाज़ पढ़ने में किबला रुख हो जाओ हाथ उठाओ ऐसे नमाज शुरू होती है तकबीर तहरीमा से ऐसे कोई सिखा सकता है लेकिन तवक्ल कैसे करते हैं तब्कुल कैसे करते हैं क्योंकि ये दिल का काम है ये जिसम का काम ही जिसम का काम सिखाना फिर भी कंपेरिजन में आसान होता है मेरे भाई तबक्ल क्या है ना अल्लाह तला पर छोड़ना अब आपको बहुत परेशानी हो रही है बहुत टेंशन हो रहा है कि ये क्या होगा अब वो अल्लाह पे छोड़ दो अल्लाह को ये बहुत पसंद है बंदा जब अल्लाह पे छोड़ता है अल्लाह कहता है तुमने मुझ पे छोड़े फहुआ हजबू अब अल्लाह उसके लिए काफी है अल्लाह कहता है तुमने मुझ पे छोड़े अल्लाह तबक्ल करने वालों से तो मोहब्बत करता है तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है मेरे भाइयों तबक्ल करना मतलब अल्लाह पे छोड़ना ये रिस्क में इजाफे का जरिया है जैसा कि हमें परिंदों की मिसाल से पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अल्लाह अजिकुम हम इस्ते किन अल्फाज से कर रहे हैं हम ये पॉइंट को यहां पे इस लेक्चर में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हदीस में वाजे अल्फाज रिस्क से जुड़ने वाले हैं लर ला रुजिकुम लाम ताक़ी का मतलब क्या है अल्लाह यकीनन तुम्हें रिस्क देगा लाम का मतलब लर रुजिक का मतलब है श्योरली तुम्हें रिस्क मिलेगा लर रुजिक तुम्हें, तुम्हें रिस्क देगा जैसा परिंदों को रिस्क देता है कि परिंदे घर से निकलते हैं आप सोचो खाली पेट होते हैं वापस आते हैं तो पेट भरा हुआ होता है ऐसे कितनी सारी किस्म की मखलूक है जिनका रिस्क अल्लाह ताला देता है और वो लोग टेंशन नहीं लेते हैं ना जैसे इंसान जो होते हैं ना वो टेंशन में टूट जाते हैं टेंशन क्यों लेते हैं क्योंकि तवक्कुल नहीं करते तवक्कुल कैसे करते हैं कि अल्लाह पे छोड़ो अल्लाह पे डाल दो अल्लाह मैंने तुझ तुझ्पे छोड़ दिया अल्लाह को भी बहुत पसंद है इंसानों का क्या मामला है अगर किसी इंसान से आप ना मैंने तुम पे छोड़ा भाई और ये भी तुम पे छोड़ दिया और वो भी वो भी वो भी वो भी वो भी सब तुम पे ही छोड़ दिया ये भी ये भी ये भी छोड़ दिया बोले भाई सब कुछ मुझ पे छोड़ रहे हो इंसान को बुरा लगता है बोले तुम क्या कर क्या रहे हो भाई लेकिन अल्लाह का मामला कैसा है अल्लाह मैं खुद को बांध रहा हूँ मैं जरिया इख्तियार कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ मैंने तुझ तुझप छोड़ दी करने वाला मैं नहीं हूँ करने वाला अल्लाह तू है आसमान और ज़मीन का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है हमारे करने से काम नहीं होता है हमारे कमाने से रिस्क नहीं मिलता है रिस्क का मामला अल्लाह के तरफ से तय है क्या आपको पता है मेरे भाइयों मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने एक काम किया अब ये बात आप मिसाल जरा गौर से सुनिए अल्लाह ताला सब कुछ जानता है कल हमें कितना रिस्क मिलने वाला है वो भी जानता है हम क्या करेंगे तो कितना रिस्क मिलेगा वो भी जानता है तकदीर में दो टाइप की तकदीर होती है एक होती है तकदीर मालक जिसे हैंगिंग तकदीर कहते हैं मतलब जो फैसला हर साल नाजिल होता है कद्र में या माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होने वाला है तो जो तकदीर जो लिखी जाती है ये सारी तकदीरों के तालुक से ने बताया ये सब तकदीर मोलक है मतलब चेंज हो सकती है जो आता है ना कि दुआ से भी तकदीर बदलती है वो कौन सी तकदीर बदलती है वो जो लोहे महफूज में है परमानेंट तकदीर वो नहीं बदलती है ये वाली हैंगिंग तकदीर बदलती है मतलब क्या सुनिए एक शख्स है उसको मिलने वाला था पूरे साल में एक लाख रुपए का रिस्क लेकिन उसने किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस चीजें कर ली उसने मिलने वाला था एक लाख अब मिलेगा पांच लाख मतलब जो नहीं हुआ वो अगर होता तो क्या होता वो भी अल्लाह को पता है और जो हुआ वो अगर नहीं होता तो क्या होता वो भी अल्लाह को पता है मतलब ये दस चीज ये नहीं करता तो इतना मिलने वाला था उसे रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी रखे आगे का पॉइंट है रिस्क बढ़ गया अब हमें क्या पता है जो रिस्क लैला कद्र में आया कि इसे साल भर में इतना रिस्क मिलने वाला है वो एक लाख से एक लाख दस हजार हो गया कैसे उसने ये फला चीज की मेरे भाइयों ये गैब की चीजें हैं जो हम लोग देख के नहीं समझ सकते हैं ये ईमान से समझ सकते हैं तो हम क्या देख रहे हैं थर्ड पॉइंट क्या है तवक्ल तोक्ल करने से रिस्क बढ़ता है तवक्ल करने से रिस्क बढ़ता है ल रुज तुम यकीन तुम्हें रिस्क देगा ये बात को याद रखिए टेंशन मत लेना अगर रिस्क चाहिए हाँ रिस्क का मामला नहीं है फिक्र नहीं है तो लो जो करना है भाई दुनिया में अगर इंसान को जैसे जीना अल्लाह ने इख्तियार तो दिया है तुम्हें चाहिए तो शुक्रगुजार बन के गुजारो तुम्हें चाहिए तो इनकार करो अल्लाह ने हम पे छोड़ा है और उसका हमें भुगतान भी मिलेगा जो हम करेंगे वही चीज़ आगे मिलने वाली आखिरत में तो ये हो गया पॉइंट नंबर तीन पॉइंट नंबर चार मेरे भाइयों चौथा पॉइंट ये है कि आपने तकवा इख्तियार किया नंबर दो इस्तार किया अल्लाह से माफ़ी मांगे नंबर तीन तवक्ल किया अल्लाह पे छोड़ा लेकिन नंबर चार भी करना है वो है जरिए इख्तियार करना है सारे अवेलेबल जरिए इख्तियार करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खमसन कबल खमसन पांच चीजों को गनीमत समझो इससे पहले के पांच दूसरी चीजें आ जाए हयात का कबल मौतिक जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले फारि वक्त को गनीमत समझो मशगूल हो जाने से पहले और माल को गनीमत समझो गरीबी से पहले गनीमत समझो मतलब क्या मतलब उसकी अहमियत पहचानो उसका सही इस्तेमाल कर लो मिसाल के तौर पर अगर हम लोग रेगिस्तान से गुजर रहे हैं और एक बॉटल पानी है हमारे पास तो वो बॉटल को कैसे इस्तेमाल करेंगे अरे थोड़ा संभालो ये इतना ही पानी है हमारे पास मतलब गनीमत समझेंगे इतना पानी तो है गनीमत है ये मतलब बहुत संभाल संभाल के इस्तेमाल करो इसको वेस्ट मत करो ऐसे ही जाया कर रहे हो वेस्ट कर रहे हो मुंह धो रहा हूँ मैं अरे भाई पानी एक बॉटल है संभाल के इस्तेमाल करो वाटर कट हो रहा है इतना ही पानी है जरा संभाल के इस्तेमाल करो तो ये चीजें जो पांच चीजें नबी ने जिक्र की कौन सी पांच चीजें जिंदगी को मौत से पहले जवानी को बुढ़ापे से पहले सेहत को बीमारी से पहले फ्री टाइम फारिग वक्त को मशगूल हो जाने से पहले और माल को गरीबी से पहले मतलब क्या है ना उसको गनीमत समझो मतलब क्या है उसका इस्तेमाल करो अब हम देखते हैं कोई शख्स जवान है जवानी का टाइम वेस्ट कर रहा है वेस्ट करने के तो बहुत से जरिए आज आप लोग सब जानते हैं कैसे टाइम वेस्ट करना है टाइम वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके आजकल अवेलेबल है अब गया टाइम अब बाद में वो चीज़ नहीं कर सकता है जो जवानी में कर सकता है जो स्किल डेवलपमेंट करना है जो नॉलेज डेवलपमेंट करना है जो अपने आप को डेवलप करना है बाद में नहीं कर सकता है गनीमत नहीं समझा उसने उसने वक्त को ज़ाय कर दिया रिसोर्स मतलब क्या है मेरे भाइयों जरिए इख्तियार करने का मतलब ये है आपके पास क्या है भाई आदमी देखे कि मेरे पास क्या है आप अपने आप को अगर रिस्क में इजाफा करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों को गनीमत समझेंगे तो अल्लाह ताला वो चीज़ को देगा बहुत से लोग क्या समझते हैं समझते हैं मैंने अल्लाह पे छोड़ा है ना मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है समझते ही हैं कि इस्लाम ने यह सिखाया कि तुमने अल्लाह पर छोड़ा मतलब कुछ मत करो लेकिन आप गौर करिए कि जो तवक्ल की मिसाल हमारे सामने आई है वो कौन सी मिसाल है परिंदों की मिसाल लुम जहाँ पर आया वहाँ परिंदों की मिसाल है और परिंदों के बारे में क्या कहा गया है कि वो घर से निकलते हैं खाली पेट होते हैं वापस आते हैं पेट भरा हुआ होता है लेकिन ये बात भी तो गौर करो निकलते हैं और वापस भी आते हैं मतलब काम करने जाते हैं इसमें सुबह के वक्त के बरकत के तलब से भी जिक्र मिल रहा है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बोरी काली उम्मीफी मुकोरी हा मेरी उम्मत की सुबह में बरकत रखी गई है सुबह के वक्त में बरकत है ये जरिया है अब वो सुबह गई तो जो हासिल कर सकते थे उसका बहुत कम हिस्सा हासिल करता है मतलब क्या होता है कि जो बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर सकते थे बहुत कम तुमने हासिल किया मेरे भाइयों यहां क्या मामला है पॉइंट नंबर चार हमारा ये है वो है जरिए इख्तियार करो क्या ज़रिए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकिल व तवक्कल ऊंट को बांध दो भरोसा अल्लाह पर करो मतलब वो जरिया है ना ऊंट को बांधना उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदावो दवा लो मतलब शिफा देने वाला तो अल्लाह है लेकिन दवा लो उसी तरह आप जॉब कर रहे हो रिस्क में इजाफे का लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो अब आपको अगर रिस्क में इजाफा चाहिए तो कुछ करो अपने आप को अपग्रेड करो जरिया इख्तियार करो अल्लाह से रिस्क मांगो इस्तफा भी करो तवक्कुल इख्तियार करो तक्वा इख्तियार करो लेकिन साथ में कुछ और भी तो करो वो भी तो इस्लाम की तालीम है इस्लाम की तालीम ये भी है कि बिजनेस कर रहे हो अब बिजनेस को डेवलप करके अपने आप को कैसे तुम फ्रेंचाइजी लेवल पर तक पहुंचाते हो कैसे वो लेवल तक पहुंचाते हो कि बिजनेस ऑटोमेटिक चले आप बीमार हो तो भी बिजनेस चलता रहे कई सारे ब्रांचेस कैसे हो सकते हैं सोचो प्लानिंग करो स्टडी करो इल्म हासिल करो इल्म नाफिया नफे वाला इल्म हासिल करो ये भी तो है इस्लाम की तालीम तो मेरे भाइयों हम ये देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम में हदीस है इहरिस आलामा उस चीज की तरफ ध्यान दो जिसमें तुम्हारे लिए फायदा है क्या चीज में फायदा है देखो भाई मतलब इस्लाम ने चीज हमें देखने से थोड़ी रोका है तो पॉइंट नंबर चार नहीं भूलना है वो है कि सारे के सारे क्या जरिए हो सकते हैं और आपको पता है ये जो पांच चीजें जिक्र की गनीमत समझो इससे पहले के पांच दूसरी चीजें आ जाए इसमें सिर्फ पांच नहीं है ये मतलब क्या है तुम्हारे पास उसे गनीमत समझो इससे पहले के वो चले जाए तुम्हारे पास तेल है मुस्लिम ममालिक में तेल है उसे गनीमत समझो इससे पहले के तेल चले जाए खत्म हो जाए मतलब सोच बताई गई हमें सोच क्या है जो है इससे पहले कि वो चले जाए उसका अच्छा इस्तेमाल कर लो अब मिसाल के तौर पे आदमी कभी कभार मार्केट में एक, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि मेरे पास ये मौका दिख रहा है गनीमत समझो इससे पहले के वो चीज चले जाए सो या है, एक्टिव नहीं है मौका था पता था वो कर सकता था हासिल कर सकता था कुछ नहीं किया मौका सामने से निकल के चला गया तब वो जाके जाग रहा है तो क्या मामला गनीमत नहीं समझा उसने तो हम क्या देखते हैं सारे जरिए इख्तियार करना ये इस्लाम की तालीम है मेरे भाइयों ये बाज़ लोग नहीं समझ पाते क्यों नहीं समझ पाते हैं? इस्लाम के नाम में एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बहुत आम है जो हमें समझना बहुत जरूरी है ये रिस्क का ताल्लुक इससे भी है ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर चार पॉइंट नंबर चार के बाद और मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ पॉइंट नंबर चार की एक और मिसाल देना चाहता हूँ जो उमा इक्राम ने दी वो बहुत प्यारी मिसाल है सुर मरियम में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है सरा नाइनटीन आयत नंबर पच्चीस छब्बीस मरियम अलैहि सलाम की मिसाल है मरियम अलैहि सलाम जब प्रेग्नेंट थी हमल से थी और ईसा इस्लाम को जो पैदाइश का वक्त था तो अल्लाह ने क्या फरमाया वो हुजी इले की इन नखला के जो तना है ना पेड़ का उसे हिलाओ अपनी तरफ जब वो वहाँ प्रेग्नेंट थी अल्लाह ने क्या कहा उसे हिलाओ अपनी तरफ तो साकित अलह की रुताबन जनीन अच्छे तरोताज़ा खजूर नीचे गिर जाएंगे तुम्हारे पास हाँ फकुली वशरबी व्रीन उसे खाओ पानी पियो और अपनी आंखों को ठंडा करो अब यहां पे की में क्या कहा है? कहा है कहा कि मरियम इस्लाम का रिस्क वहां पे था पेड़ के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि पेड़ को हिलाओ तो मिलेगा मतलब कई बार रिस्क आदमी का आ गया होता है पेड़ के ऊपर होता है अब वो बाहर निकल के कोशिश करेगा तो उसे मिलेगा वो कोशिश नहीं करेगा तो हो सकता है उसका रिस्क आकर वहीं पर सड़ गया तो हम क्या देखते हैं कि भाई मरियम सलाम जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये रिस्क दिया ये आयत कुरान में है इसमें तालीम क्या है इसमें तालीम ये है कि जरिए इख्तियार करना है मतलब तुम्हारा रिस्क है भाई अल्लाह ने मेरा रिस्क रखा है रखा है लेकिन तुम बाहर निकलोगे तो मिलेगा तुम ये कोशिश करोगे तो मिलेगा तुम चंद कदम ले लोगे तो मिलेगा ऐसे ही बैठे बैठे नहीं मिलेगा क्योंकि बैठे बैठे मिलना था तो मरियम इस्लाम को भी मिलता ऐसे ही आ जाता था उनके पास लेकिन उन्हें वो हिलाने क्यों कहा गया कि वो रिस्क तुम्हारा जो है वो तुम्हें मिल जाए तो ये हो गया पॉइंट से, से लोग इसके ताल्लुक से ताजुब करते हैं मेरे भाइयों ये भी बात वो बात है जो कैलकुलेटर से नहीं समझ सकते ओके समझो एक शख्स है जिसके पास दिन में वर्किंग आवर्स इतने हैं अब हम उनसे कहते हैं नमाज पढ़ो जहर की नमाज़ दरमियान में आएगी असल की नमाज़ दरमियान में आएगी हो सकता है कई सारे कामों में मगरब की नमाज़ भी दरमियान में आएगी कभी हो सकता है ईशा की नमाज़ भी आएगी निकालो टाइम जाओ नमाज़ पढ़ने अब आदमी देख रहा है कि मैं नमाज़ पढ़ने जब जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ मेरी इतनी इतनी मिनट कम हो रही है मेरे काम से तो शैतान उसे कहता है देखो सोचो तो शैतान उसे कहता है कि तुम अगर इतनी मिनट नमाज़ पढ़ने नहीं जाओ ये काम ये मिनट भी लगा दो बिजनेस में ये काम भी लगा दो तुम्हारे जॉब में तुम्हारा बॉस और खुश हो जाएगा तुम्हारा कस्टमर और खुश हो जाएगा तुम ज्यादा सेल कर पाओगे बिजनेस बढ़ जाएगा नमाज के लिए जाते हो तुम्हारा बिजनेस कम होता है तुम्हारा रिस्क कम होता है अब आप हदीस सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है ये हदीस ए खुदी है यकुल्ला सुबह न हो ताला अल्लाह ताला ने फरमाया फरमायाबना आदम ए आदम की औलाद तफर ल इबादती अपने आप को फ्री कर मेरी इबादत के लिए मैं तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा वह रख और तेरी गरीबी दूर करूंगा तेरे दिल को मालदारी से भरूंगा और तेरी गरीबी मैं दूर करूंगा क्या करना है तफा इबादत ही फारिग करना है फ्री करना है टाइम अल्लाह की इबादत के लिए वही लमता तफल लेकिन अगर तू नहीं करेगा ऐसा ये अपना आदम आदम के औलाद अगर तू ऐसा नहीं करेगा मतलब अपने आप को फारग नहीं करेगा अल्लाह की इबादत के लिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह कहता है कि मला तु सदर का शुगलन मैं तेरे सीने को मशगोलियत से भर दूंगा तेरा सीना मशगोलियत कामों से बिजी हो जाएगा वम फकरक और तेरी फकीरी को तेरी गरीबी को मैं दूर नहीं करूंगा एक और हदीस जिसमें इसकी फर्दर डिटेल है यह अपना आदम, ए आदम की औला तफर इबादत ही अपने आपको फारिग कर मेरी इबादत के लिए अल्लाह कहता है गिनन। तेरे दिल को मालदारी से यदई का रिज तेरे हाथों को रिज से भर दूंगा अपने आप को फारिग कर अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह तेरे सीने को मालदारी से भर देगा तेरे हाथों को अमलो यदई का रिज कन वाज है तेरे हाथों को मैं रिज से भर दूंगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह कहता है यमुना आदम ए आदम की औलाद ला अपने आप को दूर मत करना मुझसे फकर वाम लव यदई का शुगलन मैं तेरे दिल को गरीबी से भर दूंगा हाथों को काम से भर दूंगा अब देखिए यहां पे क्या मामला है कि अगर कोई शख्स अपने आप को फारिग नहीं किया तो फिर हाथों को अल्लाह ताला क्या चीज से भर देगा शुगलन काम से भर देगा काम का मामला क्या है ये कर रहे हैं 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 है, है, खत्म ही नहीं हो रहा है कई बार ऐसा होता है कि काम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहा है अमलव यदय का शुगलन हाथों को अल्लाह ने काम से भर दिया क्यों मेरे भाइयों गौर करें ये ईमान से समझ सकते हैं कैलकुलेटर से नहीं ईमान से ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम अल्लाह ने दिया है उसमें से नमाज का टाइम हो अल्लाह की इबादत का टाइम हो तफरगली अगली इबादत ही उसमें अपने आप को फारग करके जाना है अल्लाह की नमाज़ के लिए अल्लाह की इबादत के लिए चाहे वो नमाज़ का वक्त हो हज फर्ज़ हो गई है एक शख्स पर हज करना फ़र्ज हो गया है पैसा है सेहत है जा सकता है नहीं जा रहा है क्यों बिज़नेस में लॉस होगा अरे भाई कम से कम मिनिमम फ़र्ज़ हज के लिए जितना वक्त होता है जाके आओ फारिग करो अपने आप को टाइम निकाल लो अल्लाह की इबादत के लिए रोज़ा रखने का महीना है रमज़ान का महीना है रोज़ा रखो अब ये सब चीज़ों में टाइम जाता है अगर हम अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालेंगे तो अल्लाह कहता है मैं तेरे दिल को मालदारी से भरूंगा तेरे हाथों को रिस्क से भरूंगा हाँ तेरे हाथों को रिस्क से भरूंगा और नहीं करेगा अगर तो फिर तेरे हाथों को काम से भर दूंगा तेरी गरीबी नहीं दूर करूंगा मतलब हम क्या देखते हैं मेरे भाइयों कि यहाँ पे एक गैप की बात दी गई है कि आदमी देख रहा है कि भाई मैं अगर नमाज पढ़ा बराबर तो आठ घंटे काम किया नमाज नहीं पढ़ता तो सवा आठ सवा नौ घंटे काम करता सवा घंटे का फर्क दिख रहा है सब नमाजें मिलाकर सपोज हाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है मस्जिद करीब है दूर है वगैरह सवा घंटा डेढ़ घंटा ऐसा फ़र्क पड़ सकता है चार नमाजें अगर गिन लें तो अब आदमी देख रहा है कि चार अगर वो नहीं करता तो फिर क्या होता मैं ज़्यादा बिजनेस करता मेरे भाई यूँ फैक्ट ये है ना कि वो करता ज़्यादा लेकिन हासिल कम होता क्योंकि अल्लाह उसके हाथों को काम से भर देता और दिल में गरीबी पैदा कर देता वो शख्स के दिल में गरीबी आ जाती है और गरीबी कहाँ होती है हकीकत में अल्लाह के रसूल सब ने फरमाया गिना फिल फ़माया अगना फ़िलकल फिल फिलक़ल मालदारी दिल में है ग़रीबी भी दिल में है तो ये हमारा पॉइंट नंबर पाँच है वो क्या है वो है कि इबादत के लिए फारिग करना अब यहाँ पे थ्योरी थ्योरी नहीं प्रैक्टिकली मैं आप सबके सामने बात रख रहा हूँ कि जो अल्लाह की इबादत में कुछ इबादतें हैं फ़र्ज़ हैं कुछ इबादतें हैं मुस्ताब है तो हम देखते हैं कि हमें इबादत के लिए फारिग करना है अपने आप को और अल्लाह की इबादत करना है और करेंगे तो रिस्क में इजाफा होगा और नहीं करेंगे ना तो भागते रहो काम करने का बहुत शौक़ है करते रहो काम तुम करोगे तुम्हारे काम खत्म नहीं होंगे अल्लाह तुम्हारे हाथों को काम से भर देगा और तुम्हारे दिल में गरीबी पैदा कर देगा मेरे भाइयों कितनी बड़ी वार्निंग है इस चीज़ में तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्यारी सी नसीहत है हम सब के लिए जो अगर हम अमल करें तो उसका फ़ायदा दुनियावी तौर पर वादा हमें मिल रहा है दुनियावी अम लदई का रज हदीस के अल्फाज क्या है तुम्हारे हाथों को रिस्क से भर दूंगा कितनी प्यारा सवादा है कितनी अच्छी चीज़ है अच्छा इसमें आप ये बताइए अगर कोई शख्स है जो अपने जिसम को तो फारिग कर दिया नमाज का वक्त है नमाज के लिए जा रहा हूँ आ गया नमाज़ पढ़ने लेकिन दिमाग अभी भी बिज़नेस पे लगा हुआ है अभी लगता है डिस्प्ले मुझे चेंज करना पड़ेगा ये नया ऑर्डर वहाँ वो पार्टी को अप्रोच करूँ कोई जॉब कर रहा है बोले अभी मैं ये काम करूँ इस तरह से करूँ अब यहां क्या मामला है हदीस के अल्फाज क्या है तफर इबादती ए बंदे फारिग कर अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कैसे जिसमी या जहनी बताइए आप लोग हाँ सही जवाब क्या है दोनों जिसमी भी और जहनी तौर पर भी बोले मैं खाली जहनी तौर पर फारे करूंगा तो भी नहीं चलेगा जिसमी तौर पर भी फारी करे जो अल्लाह ने जो लाजिम किया है और जहनी तौर पर भी फारिग करे अब यहां कैलकुलेटर से काम नहीं हो रहा है यह हो गया हमारा पॉइंट नंबर पांच पॉइंट नंबर छः मेरे भाइयों वो है दुआ और आपको पता है कि दुआ में बहुत बड़ा रोल होता है अल्लाह ताला ने दुआ के लिए कई सारी चीज़ें रखी है कि कोई शख्स मांगेगा तो अल्लाह देगा उसे अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा मांगे तो अल्लाह ताला से दिल खोल के दुआ करना चाहिए लेकिन वैसे लोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो करते हैं रबना आतना फिर दुनिया हंसना उनकी दुआ इतनी होती है अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छा दे दे बस दुनिया 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 अल्लाह इनकम बढ़ा दे अल्लाह ये प्रॉब्लम है सिर्फ दुनिया की दुआएँ करते हैं आखिरत की दुआएं नहीं करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए ना वैसा हो कि आदमी ये दुनिया के ताल्लुक से दुआ ना करे कि रबना तीना फिर दुनिया हंसना व फिल आखिरत हंसना मतलब दोनों चीज़ों के ताल्लुक से हम दुआ करें तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सारी दुआएं मिलती है जो रिस्क के ताल्लुक से है मैं दो तीन जिक्र कर रहा हूँ बाकी और कई सारी दुआएं हैं जो आप खुद देख सकते हैं और इंशाल्लाह ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर छः वो है खास अहतमाम करें दुआ के ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान में एक सुन्नत है जो बहुत से लोग अमल नहीं करते हैं और हमें करना चाहिए जितनी सुन्नतों पे अमल करेंगे उतना हमें अजर भी ज़्यादा मिलेगा उतना फ़ायदा भी मिलेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हैं मगफिरली अल्लाह मुझे माफ़ कर दे वम नहीं मुझ पर रहम कर दे वनी अल्लाह मुझे हिदायत दे दे व आफ़ी मुझे आफ़ियत दे दे वज़ुख़ख़ख़ नहीं मुझे रिस्क दे दे वजबर नहीं तो हम देखते हैं कि बाज़ लोगों ने यहाँ तक तो हदी सही सनत से हैं बाज लोगों ने वजबूरनी वानी को ज़यीफ़ कहा है लेकिन हम देखते हैं कि ये ये सारी ये जो दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे दोनों सजदों के दरमियान उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये कहते अल्लाह मनील कल हुदा व तुका अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ हिदायत और तकवा वल वल गना और पाकीज़गी और गिना मालदारी तो मालदारी की दुआ कर सकते हैं क्या कुछ लोग शर्माते बोले अल्लाह से मैं मालदारी मांगू मांगो क्या प्रॉब्लम अल्ला है अल्लाह गनी है अल्लाह से मांगने में कोई नहीं रोक रहा है वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदारी भी मांगते थे और पनाह भी मांगते थे गरीबी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अल्लाह में इनबिका मिनल फ़री अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फकीरी से मतलब मैं गरीब हो जाऊँ उस चीज़ से अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ मिनल फ़क्री वलकिल्ला किल्लत से पनाह मांगता हूँ कि खेई नहीं सब जरूरी चीज़ें पूरा करने का जरूरत पूरा करने का साजो सामान नहीं है क़िल्ला व

जरिए इख्तियार करना सारे जरिए क्या है उसको इस्तेमाल करो इससे पहले कि वो चले जाए पॉइंट नंबर चार पॉइंट नंबर पाँच वो है सिर्फ जरिए तक की सोच मत रखो वो है इबादत के लिए फारिग करो अपने आप को नमाज का टाइम आ गया आप छोड़ दो ये तुम्हारी कामयाबी का जरिया है सोच बना लो कि मैं अगर चाहता हूं कामयाबी मैं अगर रिस्क चाहता हूं अम लो यदई का रिस्क पान मैं तेरे हाथों को रिस्क से भर दूंगा अगर चाहता हूं तो मैं अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को फारिग करूं जहनी तौर पर जिसमी तौर पर दोनों ये हो गया पॉइंट नंबर पांच पॉइंट नंबर छे दो छह पॉइंट हो गया हमारे सातवां पॉइंट और ये सातवां पॉइंट भी कैलकुलेटर से नहीं समझ सकते हैं। और वो है खर्च करना बोले भाई आप रिस्क कम करने की बात कर रहे हो तो बढ़ाने की बात कर रहे हो तो खर्च करोगे तो और मिलेगा ये कायदा अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने फरमाया कि काल अल्लाह अल्लाह कहता है हदीसी है अनफिक ये अपना खर्च कर रहा है की औलाद अल्लाह के रास्ते में तू खर्च कर नए कामों में खर्च कर उनफ मैं तुझ पे खर्च करूंगा तू खर्च कर मैं तुझ पे खर्च करूंगा तो हम क्या देखते हैं कि ये एक कायदा है अपने जहन में रिपीट करो, खर्च कर मैं तुझ पे खर्च करूंगा अच्छा ये बताओ कि किसे खर्च करना चाहिए मालदारों को कि गरीबों को क्या है कुरान के ने दिया हुआ नदियावाई खुशहाली में भी खर्च करो और तंगी में भी खर्च करो आपको पता है जो आ, तंग रास्ता जो अल्लाह बताया ना कि जो मुश्किल रास्ता है उसके अंदर क्या है और इत आम उनफी यो मेंवा एक तंगी के दिन में किसी को खाना खिलाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि एक दिरहम एक लाख दिरहम से आगे बढ़ गया होता क्या है ना बहुत से लोग सोचते हैं मैं पैसा आएगा ना मेरे पास तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँगा और दिखाया गया कि पैसा आ जाता है ना तो वो दूसरे प्लान बन जाते हैं तभी भी खर्च नहीं करते हैं क्योंकि क़ायदा क्या है ना फिर दौराई जब खर्च करता है ना आदमी जब तंगी में ख़र्च करता है ना तो तंगी दूर होने का भी ज़रिया है वो और उसको ट्रेनिंग मिल रही है उसकी एक आदत बन रही है कि मैं कुछ तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा वो जब मालदार बनेगा तो और खर्च करेगा लेकिन यहाँ पे बात क्या है अनफ अपना आदम उनफिक खर्च करे आदम की औलाद मैं तुझ तुझपे खर्च करूंगा मैंने आपको हदीस अधूरी सुनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बताया कि एक दिरहम हम एक लाख दिरहम से आगे बढ़ गया साहबा ने कहा नबीला सब एक धरम एक लाख धर्म से कैसे आगे बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के पास बहुत माल था उसमें से उसने एक लाख धरम खर्च किए और एक शख्स के पास बहुत थोड़ा था उसमें से उसने एक धरम खर्च किया ये हदीस के शायद अल्फाज है कि दो धरम थे उसमें से एक एक धरम खर्च किया तो हम देखते हैं कि वो एक धरहम एक लाख धरम से आगे बढ़ गए यानी अल्लाह के पास जो हम खर्च करते हैं ना उसकी वैल्यू कैसे तय होती है हमारे हालात के हिसाब से तय होती है कितना है तुम्हारे पास उस हिसाब से उसकी वैल्यू तय होती है तो मेरे भाइयों ये हमारे रिस्क में इजाफे का पॉइंट नंबर सात क्या है खर्च करना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना नेक कामों में और खर्च करते हैं तो वो खर्च करना जरिया है उनफिक अलैक अल्लाह क्या कहा है मैं तुझ पे खर्च करूंगा तू ने खर्च किया अल्लाह कहता है मैं तुझ पे खर्च करूंगा और हम देखते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 261 जो है उसमें जो मिसाल दी गई है वो कौन के तालुक से कि उसका एक दाना एक दाने में से सात बालियां एक एक बाली में सौ 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 दाने मतलब एक में से कितने हो गए सात सौ उनफ कले की एक मिसाल भी मिल गई कि अल्लाह तुम पे कितना खर्च करेगा उसकी एक मिसाल भी मिल रही है कि अल्लाह एक के बराबर एक नहीं देता तुमने एक दिया ना ये एक लो वापस अल्लाह त फ कले के ना क्या देता है वो हम सोच सकते हैं तो ये हम देख रहे हैं हमारा पॉइंट नंबर सात है पॉइंट नंबर आठ और वो है रिश्तेदारी कायम करना जो रिश्तेदार होते हैं ना जो हम देखते हैं शहर के माहौल में मिलना जुलना नहीं है कौन रिश्तेदार है बाप दादा का इंतकाल हो गया तो बस भूल गया भी कौन कौन रिश्तेदार है मालूम भी नहीं होता है लोगों को मेरे भाइयों ये रिश्तेदारी कायम करना रिस्क में इजाफ़े के ज़रिए में से जरिया है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हब्बा जिसे पसंद है आई यू बसता लहूफ़ी कि उसके माल में रिस्क में इजाफा हो तुम्हें पसंद है कि तुम्हारे रिस्क में इजाफ़ा हो अगर पसंद है व यौन सा लहूफ़ी आसर ही और ये पसंद है कि उसकी ज़िंदगी लंबी हो हाँ ज़िंदगी लंबी हो ये तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है आइडिया कि मैं और ज़िंदगी लंबी हो एक शख्स कह रहे थे कह रहे थे कि मोबाइल का ये जो मेरे सामने इतने मॉडल आए और कौन से कौन से मॉडल आने वाले हैं मैं देखना चाहता हूँ <laughs> तो अगर किसी को पसंद है कि उसकी ज़िंदगी लंबी हो किसी को ये पसंद है कि माल में इजाफा हो रिश्त में इजाफा हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें ये पसंद है ना फल यू तो रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी जोड़ो रिश्तेदारी जोड़ो अब यहाँ कोई कहेगा भाई रिश्तेदारी जोड़नी में टाइम खर्च करना पड़ेगा गिफ्ट देना होगा हदिया देना होगा मिलना जुलना होगा सब पैसे जाने वाली चीज़ें दिख रही है आएगा कैसे आएगा यकीनन आएगा अगर तुम्हें एक लाख रिस्क मिलना है आने वाले साल में तो तुम यसिल यही करने लगो तो फिर तुम्हारा रिस्क बढ़ना ही बढ़ना है ये ईमान है हमारा यकीन है हां दुनियावी तौर पे कोई देख के बोल सकता है हां ये भी हो सकता है कुछ लोग क्या देखते हैं बोले हां रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ेंगे तो हो सकता है कोई अच्छा जॉब वहां से मिल सकता है या हो सकता है बिजनेस में कई लोग तिजारत बढ़ाने में बोले भाई मैंने अपने एक जगह पे चचाजाद भाई को बिठा दिया मामाजाद भाई को बिठा दिया और बिजनेस बढ़ गया मेरा सब रिश्तेदार वगैरह भाई वो जरिए है कुछ हो ना हो वो हमें नहीं पता हमें इतना पता है कि रिस्क बढ़ेगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया ये सच्चा वादा है इसमें कोई शक नहीं एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया तालमो मिन अनसाबिकुम अपने नसबों को मालूम करो शहर वाले इस पर अमल नहीं करते अक्सर खासतौर से मॉडर्न जनरेशन वाले अनसाबिकुम अपने नसब को मालूम करो नसब यानी फैमिली ट्री कि भाई मेरे अब्बा ये थे अब्बा के पांच भाई थे इनके इतने बच्चे थे इनका ये था अनसाबिकुम मा तसिलु बिही अरहामकुम ताकि तुम रिश्तेदारी जोड़ सको भाई रिश्तेदारी जोड़ेंगे कैसा मालूम ये मेरा रिश्तेदार है कौन सा रिश्तेदार है मालूम होना चाहिए मेरे अब्बा के भाई के बेटा क्या फला 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 मालूम होना चाहिए हाँ और फिर अभी ने फरमाया फिल्तर क्योंकि रिश्तेदारी जोड़ने से महब्बत फ़िलाहली घर में मोहब्बत पैदा होती है मसरातुल फिल्माली माल बढ़ता है पैसा प्रॉपर्टी बढ़ती है बढ़ता है मनसातन फ़िलाफरी ज़िंदगी भी लंबी होती है यह हदीस सही सनत से मिलती है तो यह हो गया हमारा पॉइंट नंबर आठ पॉइंट नंबर नौ रिस्क में इजाफे का और वो ये है कि कई बार जो एक शख्स को रिस्क मिल रहा है वो उसके साथ जो गरीब लोग होते हैं ना उसके साथ जो कमज़ोर लोग होते हैं ना जिनको वो कम समझता है ना उनकी वजह से मिल रहा होता है कि मिसाल के तौर पर कोई है जिसका रिस्क उस पर डिपेंड है अब वो देख के सोच रहा है ये तो बर्डन है मेरे लिए लेकिन उसे क्या पता कि उसकी वजह से रिस्क उसे मिल रहा है घर में कई बार आदमी बच्चों को देखता है बीवी बच्चे बोले ये बोझ है ये मैं इनके ऊपर खर्चा कर रहा अरे तुम क्या खर्चा कर रहे हो उनका रिस्क अल्लाह तुम्हें दे रहा है उनका रिस्क तुम्हें दे रहा है इसकी वाज हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा साधर दिलाऊ से हल तुन सरूना वह तुड़ जखूना तुम्हारी तुणा। मदद की जाती है वह तुर्जूना हमने वही हदीसें सेलेक्ट की, तुणारी तुणारी की से। है जिसके अंदर रिस्क का क्लियर जिक्र है वह तुर जखूना तुम्हारी मदद की जाती है तुम्हें रिस्क दिया जाता है इल्ला तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हारे जो कमज़ोर है ना अभी तुम्हारे जॉब कर रहे हैं पांच लोग जॉब कर रहे हैं कमज़ोर है वगैरह भाई उनकी वजह से बॉस को रिस्क मिल रहा है ताकि वो सैलरी दे सके उनको को अफ्रीक और, और हदीस में फरमाया ये हदीस बुखारी की थी दूसरी हदीस जो सही अलजामे में है बेदावत हिम व अखलास हिम उनकी दुआओं की वजह से उनकी अखलास की वजह से मतलब ये जरिया होता है तो हम क्या देखते हैं कई बार वो कमज़ोर जिसे लोग लाइबिलिटी समझते हैं बोत समझते हैं उनकी वजह से हो सकता है उसे रिस्क मिल रहा है तो ये बात का ख्याल रखना है कि मिसाल के तौर पर हम किसी की मदद करें किसी गरीब की मदद करें कोई यतीम है इलाके में उसकी मदद करें ये पिछले पॉइंट से भी कहीं कनेक्ट होता है लेकिन कभी कभार लाजिम और ज़रूरी चीजें होती है किसी पे खर्च करना कई बार ऐसा होता है कि लोग घर में किसी की बहन का तलाक हो गया है बहन आ गई घर में अभी भाई उसको देखने लगता है बोझ है मेरे लिए अरे तुम्हें क्या पता उसका रिस्क तुम्हें दिया जा रहा है तुम्हें अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया तो रिस्क भी अल्लाह तुम्हें दे रहा है कई बार माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं बुजुर्ग हो जाते हैं उन पर मेडिकल खर्चा बहुत हो जाता है तो लोग ये समझते हैं कि क्या है खर्चा हो रहा है इतना खर्चा हो रहा है अरे तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें जो प्रॉपर्ट जो रिस्क मिल रहा है उसमें उनकी वजह से हो सकता है तुम्हें भी रिस्क मिल रहा है तो यह बात समझना बहुत जरूरी है कि कई बार ये गरीबों की वजह से हमें रिस्क मिलता है यह हो गया पॉइंट नंबर नौ रिविजन करेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या था तकवा बुनियाद है इस पर अल्लाह का डर है तो अल्लाह रिस्क में इजाफा करता है तकवाइसीब वहां से रिस्क देता है जहां से सोच भी नहीं सकते फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या है इस्तफ़ार अल्लाह से माफ़ी मांग लो मेरे भाई अपना आपको छोटा बना लो अल्लाह से माफ़ी मांगो अल्लाह को बहुत पसंद है युम दित कुम भी अमवाली हूँ बनीन कुरान की आयत क्या है अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा माल से औलाद से नंबर तीन तब्कुल अल्लाह पे छोड़ो तुम क्यों टेंशन लेते हो वो परिंदे की तरह तुम भी बन जाओ परिंदा क्या कर रहा है घर से निकलता है मेहनत करता है कोशिश करता है शाम में आता है वापस पेट भरा हुआ होता है तुम भी बन जाओ वैसे टेंशन लेने वाले मत बनो तुम्हें भी अल्लाह वैसे ही रिस्क दे देगा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है परिंदो ऐसा स्टेट ऑफ माइंड अगर हम पैदा कर लेना काम करेंगे बस मैं टेंशन नहीं लूंगा टेंशन अल्लाह पे छोड़ता हूं मैं थर्ड पॉइंट चौथा पॉइंट भाई जरिए भी इख्तियार करो सिर्फ वो करे भाई अल्लाह देगा वैसा नहीं सारे जरिए इख्तियार करो सब आइडियाज यूज करो चौथा पॉइंट पांचवा पॉइंट जरिए के अंदर भूल के ये ना भूल जाना इबादत के लिए फारिग करो अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग करोगे तो अल्लाह ताला यदई का रिज़्क़न अल्लाह ने वादा किया है कुदसी में है कि अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे हाथों को रिस्क से भर दूंगा सुबह अल्लाह यह हो गया पांचवासता है तुम्हें मिलना है लेकिन तुम मांग नहीं रहे हो मांगो अल्लाह से हाँ मांगने में कोई हर्ज नहीं है नीयत अच्छी रखो हाँ नीयत ये नहीं था मैं मौज मस्ती करूं मैं जुल्म करू दिखावा करूं हाँ हम लोग इतने प्रॉपर्टी वाले हो गए तुम क्या हो ये नहीं होना चाहिए नीयत अच्छी हो लेकिन दुआ करो अल्लाह से मांगो अल्लाह ताला से दुनिया का आखिरत दोनों का खैर मांगो छः नंबर पॉइंट सातवां पॉइंट सातवां पॉइंट से वो पॉइंट्स आ रहे हैं जो लोगों को कई बार समझ में नहीं आते सातवां पॉइंट है खर्च करो अनफिक अपना आदम उनफ़ खर्च कर आदम की औलाद अल्लाह तुझ पर खर्च करेगा ये हो गया पॉइंट नंबर सात पॉइंट नंबर आठ रिश्तेदारी भाई खर्चे वाली चीज़ दिखती है लेकिन उससे क्या होता है रिस्क में इजाफा होता है पॉइंट नंबर नौ गरीबों और कमज़ोरों का ख्याल रखो उनका रिस्क हो सकता है अल्लाह तुम्हें दे रहा है और लास्ट पॉइंट क्या है पता है आपको मेरे भाई जो हमने सेलेक्ट किया आज के दर्ज के लिए कि नौ चीजें सही की है ना अगर दसवें पॉइंट में गड़बड़ करोगे हो सकता है चले जाए वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से रिस्क कम होता है कुरान और हदीस में जो जिक्र है बास चीज़ें ऐसी भी जिक्र है जिनकी वजह से रिस्क माइनस होता है वो माइनस भी मत होने दो सब प्लस प्लस वाले पॉइंट कर रहे हो लेकिन दसवां पॉइंट ये है कि माइनस से बचाओ वो भी एक चीज़ है जैसे कहा जाता है ना मनी सेव लाइक मनी अर्नड कि जो पैसे बचा लिए वो ऐसे जैसे कमा लिए तो ये माइनस वाली चीज़ से बचो और वो माइनस वाली चीज़ों में एक चीज़ क्या है दिखावा जब दिखाते हैं ना कोई चीज़ तो रिस्क कम होता है अल्लाह के नसूर महमदासम ने फरमाया फरमायान बिल जिल्कितमान अपने हवाज जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो उसको ख़त्म करने में अल्लाह की मदद हासिल करो उसे छुपा कर उसे छुपा कर फ इन नीमत इन महसूदा क्योंकि हर नहमत वाले से हसद भी किया जाता है अब कई बार क्या होता है कि लोग बात करने की बहुत आदत होती है तो ये दिखावे की आदत अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि दिखावे से क्या होता है हसद होता है हसद की वजह से क्या होता है वो रिस्क कम होता है तो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों को अल्लाह ने बहुत नवाजा है लेकिन वो बहुत वो दिखावे के उसमें नहीं होते हैं सिंपल लाइफ जीते हैं हाँ उसी तरह एक और चीज़ है कि जो मैं करने वाला हूँ मैं ये करने वाला हूँ मैं वो करने वाला हूँ करने वाला हूँ करने वाला हूँ करने वाला हूँ भाई आप करने वाले हो करो ना बात मत करो बात करने से कई बार क्या होता है हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो चीज़ खत्म करने में मदद हासिल करो उसे छुपा कर बिल्कितमान उसे छुपा कर मतलब ये बात करने की आदत कैंसिल करो अब आप अपने आप को बेहतर जानते हो मैं नहीं जानता हूं आप खुद अपना मुहासबा करो जायजा लो कि क्या आप बात करने वालों में से हो जो करने वाले हो इतना तो इतनी आवाज हो जाती पहले से भाई मत करो आवाज़ क्यों बताएं आपको भाई नीयत बुरी भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती किसी किसी की नीत बुरी नहीं होती अच्छी भी होती है मिसाल के तौर पर कोई आदमी नेक काम करने वाला है अब उसने किसी और को बताया कि देखो मैं न एक काम करने वाला हूँ इस नीयत से बताया कि वो भी ये काम में जुड़ेगा वो भी ये काम करेगा किसी को मोटिवेट करने किसी को जोड़ने के लिए तरगीब के लिए लेकिन चाहे अच्छी नीयत हो चाहे बुरी नीयत हो बुरी नीयत तो होनी ही नहीं चाहिए जो भी नीयत हो बताओ मत कर लो ना तो कोई जान ले तो अलग बात है लेकिन करने से पहले बातें मत करो क्योंकि अगर हम बातें करेंगे तो वो काम नहीं होने के जरियों में से ये ज़रिया है और कई बार क्या देखा जाता है कि आदमी बात जो चीज़ के बारे में बहुत कर लेता है ना वो कर ही नहीं पाता है आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी का जायजा लो सोचो हिस्ट्री में कि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत बात किया था वो कर ही नहीं पाया ऐसा कई बार मैं खुद अपने जायज़ा लेता हूँ मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर ये बातें करने वाली बात से बहुत बचना चाहिए क्योंकि बातें करके कोई होने वाला काम भी नहीं होता है सिर्फ इस वजह से कि बातें कर ली उस बारे में ये सिस्टम है मेरे भाइयों और कई बार लोगों ने आज बहुत से लोग हैं जो दुनियावी एक्सपर्ट्स वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं वो लोग भी कहते हैं और मैं मुझे बहुत तजुब होता है जब ऐसी चीज़ जो कुरान हदीस में पहले से दी हुई है वो लोगों को बस एहसास होता है बाज़ लोगों को वो कहते हैं एक एक मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा था कि इन सम कैनी वे मतलब कैसे होता है हमें भी नहीं समझ में आता है जो चीज़ के बारे में बातें कर लो वो कई बार होता ही नहीं है कई बार या अक्सर नहीं होता है हाँ तो ये लोगों का तजुर्बा भी है और इस चीज़ से बचना चाहिए मतलब मिसाल के तौर पर आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं अब एग्ज़ाम आ रहे हैं बोले मैं ये करने वाला हूँ मैं वो करने वाला हूँ मैं ये बुक भी ख़त्म करूंगा वो भी ख़त्म करूंगा ये भी करूंगा 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 अब आपने बातें कर लिए ना आप बहुत हाई चांसेस है नहीं कर पाओगे बात मत करो करना है कर लो आपके रिजल्ट्स ख़ुद बोल देंगे कि आपने क्या क्या किए लेकिन बातें मत करो मैं ये बिज़नेस में अभी ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो भी कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अरे मत बात करो आपका वो काम नहीं होने के जरियो में से ये जरिया है तो ये माइनस वाली चीज़ों में ये है उसी तरह फख्र करना जो फख्र करता है ना अल्लाह को ये बिल्कुल नहीं पसंद है इसी वजह से वो फिसलने के जरियो में से जरिया है आप देखिए मिसाल ऐसे लोगों की जो फख्र किए जिन्होंने घमंड किया वो चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद आती उस वजह से वो काम फिर नहीं होता है तो फख्र दिखावा ये सब चीज़ों की वजह से वो काम कई बार कैंसिल हो जाता है तो मेरे भाइयों आखिर में ये दस चीज़ें हमारे सामने हैं अब जिंदगी हमारी है हम जी रहे हैं भाई ज़िंदगी जो इंसान जी रहा है वो तो इंसान को जीना ही है अब रिस्क का मामला क्या है रिस्क का मामला ऐसा है आप ये बात को समझें ग्राफ होता है कि इस शख्स का रिस्क कितना है अब इसने नेक काम किया नमाज़ों का ख्याल रखा सदका किया अल्लाह अपने आप को फारिग किया अल्लाह की इबादत के लिए अब उसे इतना मिलना था बढ़ गया अब ये रिश्तेदारी मेंटेन नहीं कर रहा है रिश्तेदारी काट रहा है माइनस हो रहा है अब ये दिखावा कर रहा है और माइनस हो रहा है अब ये चीज़ से प्लस हो रहा है हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म हैं जो चीज़ नहीं होती है वो भी अगर होती तो क्या हो जाता वो भी अल्लाह को पता है आखिर में फ़ैसला हमारा है ज़िंदगी हमारी है मेरे भाइयों असल हमारा मकसद आखिरत हो हमारा मकसद फिस दिहानी के तौर पे कह रहा हूँ हमारा मकसद हो अल्लाह की रज़ा हमारा मकसद हो वह आख़रत का रिज़ रिस्क। करीम जो कहा गया ना बड़े इज़्ज़त वाला रिस्क वो रिस्क हमारा मकसद हो और दुनियावी तौर पर अल्लाह ऐसे ही देगा और ऐसा हुआ है बाद के दौर के सहाबा रोते थे कि हमें दुनिया में इतना माल मिल गया है वो लोग सोचते थे कि ऐसा तो नहीं हो गया अगर हमें दुनिया में ही अजर मिल गया आप देखिए ऐसी कई मिसालें और सही बात तो ये है कि अल्लाह ताला के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर होती तो अल्लाह ताला कुफ्र करने वालों को कुछ देता ही नहीं आखिर में फैसला हमारा है ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह की रज़ा के लिए करना है हमें आखिरत की कामयाबी के लिए करना है और दुनिया खुशहाली में गुजरेगी रिस्क का डेफिनेशन फिर से याद रखिएगा रिस्क इज़ नॉट इक्वल टू बैंक अकाउंट हाँ बैंक अकाउंट एक छोटा सा हिस्सा है हो सकता है बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा लेकिन जो पैसा है ना उसके अंदर पावर ज़्यादा होगा हाँ उसमें बरकत ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा काम हो जाएंगे ज़्यादा फ़ायदे इंसान हासिल कर पाएगा अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों के रिस्क में अल्लाह ताला हमें बरकत दे अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफा करे हमें जो परेशान है हाल अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे अकुलदा व फिर लीबल उलसायरमस्तिमी बिंकुलदम गफ़ुररहीम ये पूरे मौजू के से अगर कोई बात ऐसी गुजरी है जो आपको समझ में ना आई हो या कोई चीज़ के से आपके जहन में सवाल आया हो तो मुख्तसर वक्त है सवाल के लिए हम ऑनलाइन सवाल पहला ले लेते हैं क्योंकि वो आ चुका है सवाल जी बोलिए सवाल ये है कि आलमगीर साहब है जो डॉक्टर है और वो कहते हैं कि मैं अपनी इनकम का फिफ्टी परसेंट जो है वो गरीब बच्चों को खर्चा करता हूँ मुझे ये छोड़कर अल्लाह के रास्ते में खर्चा करना चाहिए एक भाई ने जिक्र किया सवाल कि वो अपनी इनकम का फिफ्टी परसेंट अल्ला बरकत दे उनकी रिस्क में कि वो अलहमदिल्ला खर्च करते हैं गरीब बच्चों के लिए तो उनका ये सवाल है कि क्या मैं वो ग़रीब बच्चों पर ना ख़र्च करके अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करूँ तो हम देखते हैं गरीब बच्चों पर भी ख़र्च करना ये भी अल्लाह का रास्ता है और शायद उनका सवाल यह है कि दीन का इलम लोगों तक पहुंचाने में मैं ख़र्च करूं ये भी अल्लाह का रास्ता है तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में शामिल है और कौन सी चीज़ को तरजीह दे ये सवाल अगर मैं इस तरह से समझूं कि मैं प्रायोरिटी किस चीज़ को दूं ज़्यादा अहमियत किस चीज़ को दूं तो वो हालात के हिसाब से कहीं पे अगर ऐसा मामला है कोई ऐसा केस बहुत डिजर्विंग है कोई ऐसा शख्स है जिसको नहीं मिल रहा है जिसका मामला बहुत क्रिटिकल है तो वहां पर वो चीज़ प्रायोरिटी हो जाएगी और कहीं ऐसा होता है कि लोगों में दीनी की इतनी कमी है इतना प्रॉब्लम है कि वो चीज़ बिल्कुल ज़िंदगी में रोशनी लाने की तरह होती है एक ज़िंदगी में उम्मीद लाने की तरह होती है ईमान से क्या होता है हिम्मत भी आती है ईमान से क्या होता है परेशानियां भी दूर होती हैं हमारी तो वो भी चीज़ होती है तो हम देखते हैं कि ये चीज़ केस टू केस सिचुएशन टू सिचुएशन शहर से शहर हालात से हालात वक्त से वक्त बदलते रहते हैं ये फैसला हम सबको करना चाहिए और अगर हमारे पास बैतुलमाल का सिस्टम होता तो बैतुलमाल के जो जिम्मेदार होते वो हालात का बेहतर जायजा लेके करते लेकिन हम देखते हैं कि अफ़सोस की बात है कि ऐसा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हमारे पास ना होने की वजह से जैसा हर आदमी को जो समझ में आता है लोग करते हैं तो उसमें एक इंसान को कोशिश करना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ अहम है हो सकता है डिवाइड करना भी ज़रूरी है हो सकता है कहीं कोई चीज़ में ज़्यादा खर्च करना ज़रूरी हो तो ये आप सारी चीज़ों को देख कर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं हालात के अतबार से आप खसूस मशवरा कोई नॉलेज वाले शख्स से भी करिए जी असल वालेकाम मेरा नाम जुबैर है जी आ, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी मेरा सवाल था ये आपके जो में एक बात आई थी कि आप तकदीर मालक के बारे में बता रहे थे और लोहे महफूज की तकदीर के बारे में तो लोहे महफूज में ऐसी तो 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 क्या चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती है जिसके बाद जैसे मिसाल के तौर पर भाई ने एक अहम सवाल पूछा और अच्छा हुआ सवाल पूछ लिया है क्योंकि ये इस मौजू के तल्ल से कई बार लोगों के जहनों में सवाल होता है कि मैंने तकदीर मालक का ज़िक्र किया जो हैंगिंग तकदीर है और एक वो तकदीर जो कन्फर्म तकदीर है जो लोहे महफूज में जो तकदीर है तो दोनों में क्या फ़र्क है तो हम देखते हैं कि लोहे महफूज में वो तकदीर है जो अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया कि सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने बनाई कलम और कलम से कहा उख तुब लिख अल्लाह ने जो सबसे पहली चीज़ बनाई कलम कलम से कहा लिख कलम ने कहा क्या लिखूँ अल्लाह ने कहा सब कुछ लिख दे जो कुछ होना है तो कलम ने सब कुछ लिख दिया और एक और हदीस में आता है रूफ़ीकलाम कलमें फिर उठा ली गई है वह जुफ़त सहफ़ वो जो पेजेस है सहीफे वो सूख चुके हैं मतलब वो जो वहाँ हो गया वो हो गया फाइनल अब वो जो लिखा हुआ है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है जो कुछ होना है सब कुछ लिखा हुआ है अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ये लिखा है तो हम क्या करें फिर हम ये कहते हैं कि भाई ज़रा ये बताओ क्या आप अल्लाह पर ईमान हैं कैसे रब पर ईमान है एक ऐसा रब जो सब कुछ पहले से जानता है या एक ऐसा रब जिसको होने के बाद मालूम पड़ता है कि अच्छा ये हो गया अच्छा वो हो गया होने के बाद मालूम पड़ता है उसे या पहले से मालूम है बताइए पहले से मालूम है है ना अल्लाह को पहले से मालूम है सब कुछ जो मालूम है अल्लाह को इतना कन्फर्म्ड मालूम है कि लिखा दिया अल्लाह ने जैसे बाज लोग होते हैं ना कोई बात बोलते हैं और जब उनसे बोलते हैं लिख के दे सकते हो नहीं लिख के नहीं दे सकते यानी उतने कन्फर्म नहीं है अल्लाह का इल्म है और इतना कन्फर्म्ड इल्म है इतना कन्फर्म्ड है कि वो चेंज नहीं होने वाला कि लिखा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लोहे महफूज में सब कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि ये पॉइंट पे आकर ये शख्स दुआ करने लगेगा ये शख्स रिश्तेदारी रखने लगेगा ये पॉइंट पे आके एक दर्ज सुनेगा जिसमें दस पॉइंट दिए होंगे वो दस में से पाँच पॉइंट पे अमल करेगा उसका और रिस्क एक लाख की जगह अब उसको एक लाख दस हज़ार मिलने वाला है अब तकदीर मल्लक में जो चीज़ आती है उससे फ़ायदा क्या है कि अल्लाह ताला वो जो फैसले वहाँ भेजता है वो फैसले कौन से हैं ये वो फैसले हैं कि अगर नहीं करूँगे तो ये मिलने वाला है तुम्हें बाई डिफ़ॉल्टॉर्मली एक लाख मिलने वाले थे एक मिसाल है रिस्क की अब जो करोगे प्लस भी होगा जो नहीं करोगे माइनस भी होगा वो आगे के तुम्हारे अमाल है जिसकी बुनियाद पर ये चेंज होगा इससे क्या होता है आदमी के दिल में एक थोड़ा आता है 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 चलो चांस है मेरा वो तकदीर मौलक है, वो तकदीर चेंज हो सकती है, उसमें लाख मिलना था तो मैं भी दुआ करूंगा मैं रिश्तेदारी कायम करूंगा मैं नमाज के लिए बराबर जाऊँगा वक्त फारिग करूंगा जहन को भी फारिग करूंगा रिस्क बढ़ेगा हाँ तो हम देखते हैं कि एक आदमी को उसमें उम्मीद आती है अगला सवाल असल अपने प्रायोरिटीज के बारे में बताया कि इस पर डिपेंड करता है कि उस वक्त हालात कैसे हैं और उसके हिसाब से आप फैसला कीजिए कि आपको किस तरीके से खर्च करना है तो इस ताल्लुक से कोई हदीस भी है क्या क्योंकि मुझे लगता है कि उस ताल्लुक से भी कुछ क्लियर गाइडेंस है हमारे पास में कहाँ पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए मतलब हालात के अलावा भी भाई ने कहा है कि हालात के अलावा कहाँ किस चीज़ में ज़्यादा खर्च करना चाहिए क्या उस ताल्लुक से हमें गाइडेंस मिलती है कुछ रहनुमाई मिलती है बाज रहनुमाई हमें तरतीब से मिलती है जिस तरतीब में अल्लाह ने जिक्र किया देखिए हम देखते हैं जो खर्च करना है उसमें दो टाइप के खर्चे हैं सदक़ा में एक सदका वो सदका है जो फर्ज सदका है उसे क्या कहते हैं फर्ज सदक़े को क्या कहते हैं ज़क़ात ज़क़़त के अंदर आठ कैटेगरी दी गई है उसके अंदर जो अल्लाह ने आगे जिक्र किया उसकी तरजीह भी ज़्यादा है जो पहले ज़िक्र किया उसकी प्रायोरिटी भी वहाँ पर ज़्यादा है जकवात के अंदर तो हम देखते हैं जैसे अल्लाह ताला ने आठ चीज़ें ज़िक्र की सूरह तौबा की 60 के आयत नंबर सिक्सटी में कि सदक़ा फ़कीरों के लिए मतलब जो लोगों के पास कम है वल मसाकीन मिसकीन कौन है जिसके पास है लेकिन उतना नहीं है ज़रूरत पूरा करने के लिए तो फ़ुकरा मसाकीन वल जो अलैहा जो वो फ़ंड्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अपॉइंटेड है पूरी आठ कैटेगरी दी हुई है उसी तरह आदमी हालात के एतबार से अजर के अतबार से भी देख सकता है बाज़ जो चीज़ों के अजर जिक्र है आदमी उस चीज़ से सोच सकता है और कुछ चीज़ों के अंदर नफिल सदक़े में ज़्यादा इंकरेजमेंट है कुछ चीज़ों में फ़र्ज सदका यानी ज़क़ात के अंदर ज़्यादा इंकरेजमेंट है तो क्या पैसा खर्च कर रहे हैं उसी तरह आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर फितरे की रकम है अब उसके अंदर क्या प्रायरिटी है जिक्र है मतलब अलग अलग टाइप के सदक़े की अलग अलग प्रायरिटी भी है कि फितरे की रकम कहाँ खर्च करनी है उसमें किस तरह से देना है अनाज की शक्ल में वगैरह तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें से हम हालात के एतबार से देख सकते हैं हालात भी है कौन सा सदका दे रहे हैं और आमतौर पर भी देख सकते हैं दस पॉइंट्स रिस्क के ताल्लुक से आप सब भाइयों के सामने हैं। देखिए असल फायदा आज के इस दर्ज का तब होगा जब हम अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह ये चीजों को लाएंगे कोई आखिरी सवाल ऑनलाइन या ऑफलाइन एक नहीं सवाल आई बिकम बहन का सवाल ऑनलाइन ये आया है कि क्या कोई मुस्लिम गर्ल कलेक्टर बन सकती है तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने रोल्स डिफाइन किया है मर्दों का औरतों का आज का ज़माना क्या हो गया है कि एक एक सोच बचपन से सिखाई जाती है कि तुम कहीं कम नहीं हो औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मैदान में आगे बढ़ सकती हैं अब हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने ऐसा नहीं कहा इस्लाम ने डिफ़ाइन किया कि सबसे अहम और सबसे बड़ा रोल औरतों का क्या है मर्दों का क्या है अब उसके अंदर एक कायदा ये भी है हिजाब का तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ औरतें काम कर रही है वहाँ कोई मर जाए वो बोले मैं यहाँ काम करूँगा हाँ तो फिर क्या है उसका मुनासिब नहीं उसके लिए भाई तुम ऐसी जगह काम करो जहाँ नहीं मर्द काम करते वहाँ जाओ तुम यहाँ कहाँ आए हो तुम इसमें काम करने के लिए उसी तरह बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मर्दों के साथ ज़्यादा मुलाकात ज़्यादा बातें ज़्यादा एक्सपोजर होता है और इस्लाम ने औरतों के लिए एक रोल रखा है और उनके लिए हिजाब उनका मेंटेन करना ये लाजिम और ज़रूरी कम्पलसरी है तो कहीं कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो हम बहनों से ये कहते हैं कि आप जायज़ा लें जो काम में हिजाब में कॉम्प्रोमाइज़ है गैर महरम मर्दों से मुलाकात वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और खुलवत होने के चांसेस हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला काना इलाकाना खाल शैतान जब कोई मर्द और, और, और औरत अकेले होते हैं तो तीसरा वहाँ शैतान होता है तो हम बहनों को ये इंक्रेज करेंगे कि अगर आपको जॉब करना है तो आप कर सकते हैं अपने ज़िम्मेदार की इजाज़त से सेफ़्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए और इस्लामिक रूल्स फॉलो करते हुए जैसे किसी भाई को भी करना है भाई को भी करना है तो दीन के जो रूल्स हैं जो दायरा हमें दिया गया है आप उस दायरे में रह कर करिए अब जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था ना तकवा वाला तो उसके अंदर कभी ऐसा लगता है कि मैं अपना इतना टाइम लगा दिया मैंने ये चीज़ के लिए अब मैं यहाँ पहुँच करके क्या चेंज करूँ अपना प्लान आप सोचिए वो बैंक मैनेजर जो बैंक मैनेजर तक पहुँच गया मैनेजर तक पहुँचने में भी उसको टाइम लगा होगा और फिर उसके बाद में उसे पता चल रहा है कि नहीं मैं बैंक का काम मेरे लिए सही नहीं है दीन के अतबार से इस्लाम की तालीम के अतबार से तो आदमी को लगता है कि मैं क्या करूँ लेकिन जो होता है वो अच्छा ही होता है भाई जो हुआ कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती ज़िंदगी में वो होना भी अल्लाह पहले से मुकर किया था तकदीर में पहले से लिखा था तो अगर बोलना नहीं चाहिए कि अगर ये नहीं करता वो नहीं करता जो होना था वो होना था तो मैं इस सवाल के तल्ल से कलेक्टर के जॉब में क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं मुझे खुद नहीं पता है हो सकता है कोई स्कॉलर ने स्टडी किया हो आप रिफ़र कर सकते हैं लेकिन कुछ मोटी मोटी गाइडलाइंस मैंने बता दी इस मकसद से कि अगर कोई बहन कर रही हैं तो अपने हिजाब का फर्स्ट प्रायोरिटी ख्याल रखें खुलवत ना हो एक्सपोजर ना हो गैर महरम मर्दों से वैसे जॉब को लें तो उसके अंदर उनके लिए भलाई होगी और उसके अंदर अल्लाह ताला की मदद भी होगी उसके अंदर बरकत भी होगी हम दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको दीन की तालीम समझ कर उस पर अमल के लिए तोफी दे इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का प्रोग्रामी दीन की बात आम करने में आई प्लस टी की मदद करें पे या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें